जगत क्रीडति यो यतः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः सौन्दर्यं निजहृद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुनरूपं च पुनस्तदन्तरगतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत् तृतयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धये फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेन पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यस्यानुकम्पावशतः सुदुर्लभं मानुष्यमातौ परमस्य पुंसः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। गोपाललालं शरणं प्रपद्ये स्वस्ति श्रीमद्वेद व्यास प्यारे की जय। शिवल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्यमने महाराणी की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। कृपया माला जी धारण करावें। पप्पू जी हांसई एवं मनोरथी परिवार
श्री वल्लभाधीश की। श्री वल्लभ राज कुमार की। जय बोलो कृष्ण कन्हैया 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 की। जय बो यशोदा के छैया की। जय बोलो यशोदा के छैया के। जय बोलो यशोदा के छैया की। जय बोलो सभी गाइए यशोदा के छैया के। जय जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। जय बोलो हलधर भैया की। ओ जय बोलो हलधर भैया की। जय बोलो हलधर भैया की। ओ जय बोलो जय बोलो गैया चरैया की। ओ जय बोलो गैया चरैया। सभी गाइए की। जय बोलो गैया चरैया की। जय बोलो गैया चरैया की। जय बोलो बंसी बजै की। ओ जय बोलो बंसी बजैया की। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की। ओ जय बोलो बंसी बजैया की। जय बोलो यशोदा के छैया की। जय बोलो यशोदा के भैया के। जय बोलो
मैया की जय बोलो गोवर्धन धरैया की ओ जय बोलो गोवर्धन धरैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ओ जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ओ जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की ओ जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय शिवल्लभाधीश की जय मन को सावधान करते हुए अखंड भूमंडलाचार्य जगद्गुरु महाप्रभु शिवल्लभाचार्य जी के अलौकिक स्वरूप कार्य में ध्यान धर एवं सविशेष परम भगवदीय श्री दामोदर दास हरसानी जी श्री दमला जी के अलौकिक स्वरूप कार्य में ध्यान धर आप के चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। एवं मंचस्थ विराजमान परमादरणीय परम पूज्य श्रद्धेय पूज्य श्री दादाजी एवं समुपस्थित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य ज्येष्ठ भातृचरण आप महद आचार्यों के चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम। एवं यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ गंगा को यहां मुरैना गांव में लाने वाले ऐसे मनोरथी परिवार के सभी सेवा भावी वैष्णव वृंद सर्व आदरणीय भूदेवगण समिति से जुड़े भय सब आत्मीय वैष्णव वृंद और
उपस्थित आप सब। सर्वप्रथम तो आज के सुंदर उत्सव की, आज गोवर्धन उत्सव है, गोवर्धन पूजा श्री ठाकुर जी की संपन्न हुई, सभी वैष्णवों ने दर्शन का लाभ लिया। तो आज गोवर्धन उत्सव का सब विशेष आप सभी जनों को खूब खूब बधाई, एवं साथ ही साथ सब विशेष आज हम सब वैष्णवों के प्रतिनिधि स्वरूप ऐसे श्री दामोदर दास हरसानी जी, जिनको आचार्य चरण दमला कहते, उनका भी आज प्रागट्य उत्सव है। श्री दमला जी हैं तो हमें प्रियजनों ये पुष्टि मार्ग मिला है, जैसे अर्जुन निमित्त बना तो श्रीमद् भगवद गीता सबको प्राप्त हुई, ऐसे ही शिवल्लभाधीश की जय, शिगिरिराज धरण की जय। ऐसे ही दमला जी निमित्त बने तो हम सबको पुष्टि मार्ग की प्राप्ति हुई। महाप्रभु शिवल्लभाचार्य चरण आज्ञा करते कि दमला यह मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया है, दमला यह मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया है, यानी दमला जी हम सब वैष्णवों के प्रियजनों प्रतिनिधि स्वरूप हैं। पूरे जीवन भर आचार्य महाप्रभु जी के सानिध्य में रहे, आप श्री की सेवा में रहे, वर्धा में विराजते, पांच भाई और धन संपत्ति आदि से सब सुखी संपन्न, लेकिन दामोदर दास जी की सदा चित्त वृत्ति यह सब लौकिक संसार में न लगकर केवल और केवल आचार्य चरण का ही चिंतन स्मरण करती रहती। और जब श्री महाप्रभु जी आप उनके गांव में पधारे तो ऊपर जरोखा में बैठे बैठे जो प्रतीक्षा करते तो वहीं से छलांग लगाई और आप श्री के चरणों में लौट गए कि शिवल्लभ आपकी मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा था, और उनको उठाया, आलिंगन दिया और फिर उनके साथ ही साथ श्री आचार्य चरण के उनकी सेवा में रहे। और सर्वप्रथम ब्रह्म संबंध दीक्षा श्री दामोदर दास हरसानी जी को आपने दी। यह वर्तमान समय के, वैसे तो वैष्णव तो गोपीजन भी वैष्णव कहे जाते हैं, वैष्णव का स्वरूप है, परंतु महाप्रभु जी के समय काल में जो सर्वप्रथम ये पुष्टि मार्गीय जो वैष्णव बने, जिनको आचार्य चरण ने आत्मनिवेदन दीक्षा प्राप्त कराई, वो हैं श्री दामोदर दास हरसानी। और जैसा कि प्रसंग में आता है, जब आचार्य चरण गोकुल में पधारे, यमुना जी के घाट पर दमला जी आपके संग हैं, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि यहीं पे गोविंद घाट है, यहीं पे ठकरानी घाट है, कोई बतावे वारो नहीं है। संकेत में श्री यमुना जी को विनती करी कि आप दर्शन दें, क्योंकि यमुना जी के भी अलौकिक आदिदेविक पुष्टि रसात्मका स्वरूप का आपसी को वर्णन करना था, आपसी के भी महात्म को आपको प्रकट करना था।
बाकी श्री अमना जी का महात्म्य गर्ग संहिता आदि अन्य ग्रंथों में भी उपलब्ध है, लेकिन जो पुष्टि मार्गीय श्री अमना जी का जो महात्म्य है, स्वरूप है, वो हमारे आचार्य चरण ने प्रकट किया यमुनाष्टक के रूप में। तो वहां श्रीमद गोकुल में दमला जी आपके साथ हैं, ये आज से 500 सवा 500 वर्ष पूर्व की बात है। निर्जन स्थल है, कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहे हैं। महावन की शोध करते करते आप पधारे और बत कहा कि यहीं पे ठकरानी घाट, यहीं पे ये गोविंद घाट पर कोई बतावे वालों नहीं। वही समय यमुना जी में जो प्रवाह बह रहा था, ऐसी तरंगे आने लगी जैसे श्री ठाकुर जी का प्रागट्य जब हुआ तो ववायु सुख स्पर्श भागवत में वर्णन आता है, उसी प्रकार ऐसे सुंदर मकरंद, ऐसे सुवास पूरी ब्रजमंडल में फैल गई और श्री यमुना जी का साक्षात आदिदेवी का स्वरूप वह प्रवाह में से प्रकट होते भय चलते चलते आप घाट पे पधारे। बोलिए श्री श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। सुंदर श्रृंगार धारण किए हुए और इतने अलौकिक दर्शन कर श्री आचार्य चरण के मुखारविंद से श्री यमुना जी की स्तुति प्रकट हो गई। नमामि यमुनामहम सकल सिद्धि हे तुम मुदा मुरारे पद पंकज स्फुरद मंदरे नुटकटा। बड़ा अद्भुत ये यमुनाष्टक जो नवम श्लोक फलश्रुति स्वरूप है, हम पुष्टिमार्गीय वैष्णव के लिए नित्य ये यमुनाष्टक पठनीय है। यमुना जी ही भाव का दान करने वाली हैं, भक्ति की वृद्धि करने वाली हैं। षोडश ग्रंथ में भी सर्वप्रथम ग्रंथ श्री यमुनाष्टक है। स्वभाव विजयो भवेद वदति वल्लभ श्री हरे। यमुना जी की कृपाओं से स्वभाव विजयो भवेद, जीव अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर सकता है, यानी प्रभु के लायक उसका स्वभाव बदल दे, ऐसे श्री यमुना जी हैं। यमुना जी बड़ी प्रसन्न हुई और कहा ठकरानी घाट कहाँ है, यमुना गोविंद घाट कहाँ है, ब्रज के सब अलौकिक स्थल आपने बताए और वहीं पे श्री यमुना जी के घाट पे श्री आचार्य चरण विराजे, श्रीमद भागवत का पारायण किया। वो ठकरानी तीज से लेकर ये एकादशी श्रावण मास में जो आती है, एकादशी द्वादशी, वह 7 दिन वहां पे पारायण किया श्रीमद भागवत का और फिर रात्रि के समय ये जीव को किस प्रकार से शरण में लिया जाए, आपके अंतस में ये जीवों के लिए चिंता प्रकट हुई। उसी समय साक्षात आनंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम साक्षात भगवद आपरोक्तम प्रभु का प्रागट्य हुआ। आपने आज्ञा करी कि आप जीव को ब्रह्म संबंध कराओ और आप श्री के मुखारविंद से ब्रह्म संबंध मंत्र प्रकट हुआ और आचार्य चरण को पधराया कि या मंत्र के माध्यम से जा जीव को आप शरण में लोगे, उस जीव का हम अंगीकार करेंगे, उसके दोषों के सामने कभी नहीं देखेंगे, वो जो हमें आरोग आएगा वही हम स्वीकार करेंगे, उसका त्याग कभी नहीं करेंगे। ये वचन श्रीनाथ जी ने श्री महाप्रभु जी को दिया। उसी रात्रि के समय आचार्य चरण श्री ठाकुर जी के सुंदर दर्शन करके आपके मुखारविंद से अधरम अधरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराष्टक आपके मुखारविंद से प्रकट हुआ, जिसमें जो रात्रि के समय में जो स्वरूप प्रकट हुए थे वह स्वरूप का वर्णन यह मधुराष्टक के अंतर्गत किया गया। आप श्री ने श्रीनाथ जी को पवित्रा धराया सूत का और फिर आप प्रभु वहां से पधारे। वहीं पे दमला जी लेटे हुए थे साथ ही साथ है, बुलायो दमला आऊं जे कि तेने कछु सुनी, तो दमला जी कहें जेराज सुनी तो सही परंतु समझी नहीं, आप अलौकिक स्वरूप की वाणी मैं का जानू,
वो तो आप कृपा करके समझाओ तो कछु हम समझ पाए। तो देख श्री जी पधारे थे, उनने ब्रह्म संबंध देवे की आज्ञा करी है, तो सुबह बेगी उठ के स्नान करके यू हम तुमको ब्रह्म संबंध देंगे। व्रत एकादशी का किया हुआ था। धबला जी इतने प्रसन्न कि वो समय आया कि अब मेरा पुष्टि मार्ग में अंगीकार होगा। सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यमुना जी में स्नान करके आए, कोरे वस्त्र धोती उपना धारण किए और श्री महाप्रभु जी ने सर्वप्रथम ये जो ब्रह्म संबंध जो दीक्षा है जो आज तक निरंतर अविरत चली आ रही है वह सर्वप्रथम मंत्र की दीक्षा महाप्रभु जी ने श्री दामोदर दास जी को दी। इसलिए वो सर्वप्रथम वैष्णव श्री महाप्रभु जी के समकालीन सर्वप्रथम वैष्णव ये हुए। इसलिए वो हमारे प्रतिनिधि, हम वैष्णवों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। दमला जी से हमें सीखने मिलता है कि कैसी भक्ति होती है, सेवा किस प्रकार से की जाती है। आप विचार करें, जो दमला जी महाप्रभु जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको ब्रह्म संबंध भी नहीं ली हुआ है लेकिन उनको आत्मस्वरूप का ज्ञान है। जहां ऊपर जरोखे में से छलांग लगाई आचार्य चरण के चरण में लेट गए, इतना सब कुछ जानते हुए भी जब आचार्य श्री ने पूछी कि दमला तेने कछु सुनी, तो के सुनी सही पर समझी नहीं। देखो ये दास धर्म, वो तो गुरु कृपा हो तब जीव कछु समझ पाए। किस प्रकार से गुरु भक्ति की जाती है, गुरु सेवा की जाती है, ये श्री दमला जी के जीवन चरित्र से हमें मिलता है। प्रियजन, जब श्री गिरिराज जी के तरेटी में दमला जी की गोदी में अपना मस्तक रखकर आचार्य चरण पोड़ रहे थे, लीला का चिंतन कर रहे थे, उसी समय छुम छुम करते श्रीजी बाबा पधारे। उनको देखकर दमला जी ने कहे, प्रभु आपने थोड़ी देर वहीं पर ठाड़े रहो। तो श्रीजी तो ठाड़े हो गए। कुछ क्षण बाद जब आचार्य चरण ने नेत्र खोले तो क्या देखा, श्रीजी दूर ठाड़े। पूछी कि बाबा आप वहां पे क्यों ठाड़े हो, तो कि तुम्हारो सेवक हमको बर्जे है, हमको पास नहीं आवे दे। तो आपसी ने पूछी दमला जी को कि दमला तेने ऐसो क्यों कियो, तो कि जेराज आप ओढ़े भय थे, आप विश्राम में थे और शिवजी पधारते तो आप जग जाते, आपको श्रम पड़तो। अरे पर तू दमला शिवजी को कैसे ठाड़ो रख सके वहां पे, कि जेराज मैं तो एक बात जानू, मैं आपसे पूछू, आप मुझको बताओ कि दान बड़ो के दाता। श्रीजी तो दान है जो हमको मिले है, पर वो दान को देवे वारे कौन, तो कि दाता तो आप हो। जो आप नहीं होते तो हम कैसे श्रीजी के स्वरूप को जानते या उनकी सेवा कर सकते। तो आप ही बताओ, दान बड़ो के दाता। कोई के पास कितनो ही धन होए लेकिन देवे को मन होना चाहिए ना। लेकिन दमला तेने फिर भी शिव जी को वहां पे, तब श्रीनाथ जी ने पक्ष लियो दमला जी को और कहा, कही शिवल्लभ आप वाकू मत बरजो, मत टोको, वाने तो अपनो दास धर्म ही निभायो है। श्रीनाथ जी ने दमला जी का पक्ष लिया। ऐसे परम भगवदीय दमला जी की, प्रिय जनों आपके गुणानुवाद ये एक रसना का सामर्थ्य नहीं कि आपके स्वरूप या आपकी भक्ति का निरूपण कर सके। बस हम तो इतना जानते हैं कि श्री वल्लभ की कृपा के बिना पुष्टि मार्ग फलित नहीं है। और वल्लभ की कृपा कब हो, तो श्री वल्लभ ने आज्ञा करी कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, तो जिनके लिए प्रकट हुआ है जब तक उनकी कृपा नहीं हम पे हो तो महाप्रभु जी की भी कृपा नहीं हो। इसलिए दामोदर दास, दामोदर दास, अब दामोदर यानी जैसे हम दामोदर लीला भी आती है दशम स्कंध में। क्या है दामोदर लीला, जिनके उदर पर दाम बंधा हुआ है। दामोदर दाम यानी रस्सी, उदर जिनके पेट पर दाम बंधा हुआ है वह दामोदर। जब यशोदा जी ने लालन को बांधा तो वह दामोदर स्वरूप हुए। तो यहां दामोदर दास यानी दामोदर यानी कौन, तो कृषि महाप्रभु जी। दमला जी के प्रेम के रस्सी से श्री महाप्रभु जी बंधे हुए हैं।
अब अपन चाहे कि श्री वल्लभ की कृपा हो तो वाके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दमला जी को पटाने पड़ेंगे, दमला जी की सेवा करनी पड़ेगी। फिर दमला जी नेक थोड़ी प्रेम की रस्सी ढीली करे तो श्री वल्लभ की कृपा हम पे होवे, तब ठाकुर जी की कृपा होए। यानी दमला सरीखे जितने भी 84-252 प्रियजनों ये भगवदीय भक्त हैं, इनकी कृपा महद आवश्यक है। ये हमारे गुरु कहलाते हैं, ये सब 84-252 वैष्णव भी गुरु हैं, जिन्होंने जीवन जी के बताया। गृहस्थ होते हुए भी देह गेह परिवार को ये पुष्ट मार्ग, सन्यासियों का तो मार्ग है नहीं, वैरागियों का तो मार्ग है नहीं। गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे उनकी चित्त वृत्ति श्री ठाकुर जी में लगी हुई रही, किस प्रकार से उन्होंने अपने आत्मधर्म का निर्वाह किया, ये हमको इन भगवदियों के चरित्र से प्राप्त होता है प्रियजनों। यानी इन भगवदियों के गुणानुवाद जितने गाएं इतने कम हैं, क्योंकि इसको तो हमारे श्री गोकुलेश प्रभु कथा का फल कहते हैं। श्री गोकुलनाथ जी का नियम था, श्री गोसाई जी के चतुर्थ कुमार श्री गोकुलनाथ नित्य वैष्णव के साथ सत्संग करते, श्रीमद् भागवत सुबोधनी आदि का पठन पाठन वैष्णव मंडली बैठते। अब एक दिन नित्य के भांति वैष्णव आके बैठे, अब सत्संग में कछु महाप्रभु जी के सेवकन की चर्चा शुरू हो गई। अब महाप्रभु जी की, गोसाई जी के वैष्णव की चर्चा शुरू हो गई, तो वो चर्चा में वो सत्संग में ही समय पूरा हो गयो। तो गोकुलनाथ जी कहे ना कि आज तो सत्संग में बड़ो आनंद आयो। तो एक वैष्णव ने कही, जेराज आज तो कथा भई नहीं। वो के आज कथा नहीं भई। गोकुलनाथ जी कहे, तुझे क्या लगता है कि आज हमारा समय व्यर्थ निकल गया? अरे आज तो तुकु मैंने कथा को फल कह दियो और तू कह रो कथा नहीं भई। आज तो कथा को फल तुकु कह दियो। यानी ये 84-252 वैष्णव ये सब कथा का सार है, जिसमें इन भगवदियों के सुंदर चरित्र हैं। और जब इन चरित्रों का हम गुणानुवाद अवगाहन करते हैं तो उससे हमारा भी चरित्र दिव्य बनता है, वैष्णवी चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए नित्य प्रतिदिन भले एक प्रसंग आप पढ़ो वार्ता साहित्य में से, परंतु अवश्य सत्संग करो। 84-252 वैष्णवों को नित्य पठन पाठन करो, क्योंकि जब उनका संग होगा, उनकी कृपा होगी, तभी श्री वल्लभ की कृपा होगी और तभी ये पुष्टि मार्ग सबको फलीभूत होगा। यानी वार्ता जी पढ़िए, और बड़ी सरल है, लेकिन वो सरल वार्ता में आपको शास्त्रों के, वेदों के सिद्धांत समझ में आ जाएंगे। एक साधारण सहज व्यक्ति भी वो उन प्रसंगों को वांचन कर सकता है, अपने घर में उसको समझ सकता है, इतने क्लिष्ट नहीं है। और ऐसे भगवदी और उसमें भी सविशेष दमला जी, जिनका आज मंगल प्रागट्य उत्सव, जिनके लिए आपसी ने यह मार्ग प्रकट किया, ऐसे श्री दमला जी के चरणारविंद में प्रियजनों कोटानुकोटि आज उत्सव निमित्त, आपके प्रागट्य उत्सव निमित्त, अपन सब श्री दमला जी के चरणारविंद में दंडवत प्रणाम करते भय, और नेक वह रंचक भी भाव अपने अंदर आ जावे, अपने अंदर दीनता आ जाए, अपने अंदर सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, श्री वल्लभ के स्वरूप में प्रीति हो जाए। बस ऐसे श्री दमला जी अपन सब पे कृपा करें, यही श्री दमला जी के श्री चरणारविंद में कोटानुकोटि दंडवत प्रणाम करके अपन विनती करें। और आओ आगे जो ये दशम स्कंद की जो लीलाएं हैं, क्योंकि जब इसे भगवदीयन की कृपा होए तो ये निरोध लीला को अपन समझ सकें, क्योंकि दमला जी की जो चित्त वृत्ति है वह निरोध चित्त वृत्ति कही जाए। दमला जी के जो मन की जो अवस्था है वह निरोध अवस्था कही जाए, और ये दशम स्कंद भी ये निरोध लीला है। निरोध शब्द की अलग अलग व्याख्याएं करवे में आई हैं। पतंजलि महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कि चित्त वृत्तियन को हर जगह से हटा देनो, चित्त वृत्तियन को रोकनो, वाको नाम निरोध। यानी धीरे धीरे ध्यान द्वारा मन बुद्धि चित्त
आदि को सब जगह से हटाकर खत्म कर देना, उसका नाम है निरोध। योग के अंदर निरोध की व्याख्या कि जिसमें चित्त को मारने की बात कही है। अब जो चित्त को मन को मार देंगे तो फिर उसकी सफलता कैसे होगी, उसकी तो विफलता हो जाएगी। पांच प्रकार की चित्त वृत्तियां बताई गई हैं, जिसमें एक है मूढ़ चित्त वृत्ति। ध्यान दीजो, मूढ़ चित्त वृत्ति किसकी कही जाती है कि एक प्रकार की जड़ता जो जीव के अंदर रहती है, और वो जड़ता के चलते वो जीव कितनी कथा सुन ले लेकिन उस जीव में कोई परिवर्तन नहीं आता, ऐसे जीवों की चित्त वृत्ति जड़ चित्त वृत्ति कही जाती है, मूढ़ चित्त वृत्ति कही जाती है। कितनी कथा सुन ले लेकिन कोई फर्क नहीं पड़े। दूसरी है क्षिप्त चित्त वृत्ति, एक प्रकार की चंचलता जो केवल खाने पीने में लगी हुई रहती है, जो मौज मस्ती में लगी हुई रहती है। खाओ पियो मौज मस्ती करो और क्या है भाई, ऐसे जो जीव हैं उनकी क्षिप्त चित्त वृत्ति कही जाती है, जिसको हम प्रवाही जीव भी कह सकते हैं, विषय लंपट। तीसरी है विक्षिप्त चित्त वृत्ति, जैसे कि हमारी आज की स्थिति, कई बार तो हमारा मन भगवद सेवा कथा में लगता है तो कई बार नहीं लगता है, कई बार भाव के उभरा आ जाते हैं, कथा में बैठते हैं सत्संग सुनते हैं तो भाव एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में 10-15 दिन निकल जाएं तो बिल्कुल भाव सूख जाते हैं। ऐसी चित्त वृत्ति को विक्षिप्त चित्त वृत्ति कहा जाता है। ऐसे जीव भी जो निरंतर श्रीमद् भागवत का आश्रय करें तो धीरे धीरे उसकी चित्त वृत्ति स्थिर हो सकती है। चौथी है एकाग्र चित्त वृत्ति, जब एकाग्रता रहती है किसी कार्य में तो अपने आप रस आ जाता है। कथा में एकाग्रता होगी तो रस अपने आप आएगा, और जो कथा में हमको रस की अनुभूति नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं एकाग्रता की कमी है। एकाग्रता से ही रस की उपलब्धि होती है, ऐसी चित्त वृत्ति एकाग्र है। और पांचवी है निरुद्ध चित्त वृत्ति। निरोध चित्त वृत्ति किसको कहते हैं, आचार्य चरण निरोध चित्त वृत्ति की व्याख्या बताते हुए आज्ञा कर रहे हैं। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदासक्ति इति निरोधः। प्रपंच विस्मृति पूर्विका, प्रपंच यानी संसार, मेरे तेरे का विस्मरण हो जाना, और केवल मेरे तेरे का विस्मरण हो जाना इतना ही नहीं, भगवदासक्ति, बाकी तो योगी जन ध्यान द्वारा भी मेरे तेरे का विस्मरण कर ले संसार का, तो उसको क्या निरोध कहा जाएगा, नहीं, संसार के विस्मरण के साथ भगवद आसक्ति हो जाना, ऐसी जो मन की स्थिति है उसको निरोध चित्त वृत्ति कहा जाता है। यानी ये दशम स्कंद निरोध लीला, जहां पे भगवान अपने स्वरूप से, अपने सामर्थ्य से, अपने लीला के माध्यम से भक्तों को निरोध सिद्ध करवा रहे हैं। क्योंकि ये निरोध किस प्रकार से प्राप्त होता है, ऐसे मन की स्थिति कब कैसे बने, तो उसके दो साधन बताए गए, दो मार्ग हैं। एक तो साध्य रूप निरोध है, दूसरा साधन रूप निरोध है। ध्यान दीजिएगा, विशेष अवतार काल में जब साक्षात रूप से प्रभु प्रकट हुए तब भगवान ने अपने स्वरूप और सामर्थ्य से भक्तों को निरोध सिद्ध करवाया। उसको साध्य रूप निरोध कहा जाता है। और जब साक्षात रूप से हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अभी, जिसको अनवतार काल कहा जाता है, ऐसी स्थिति में हम सब जीवों के लिए साधन रूप निरोध बताया है। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जन हित जग प्रगटाई। देखिए, भक्ति की जो यात्रा है ब्रज भक्तों की जो रही, या हमारी जो होनी है, दोनों एक है। फल भी जो उनको मिला और हमको मिला, हमारा भी फल अलग नहीं है। महाप्रभु जी ने तो पुष्टि मार्गीय जीवों के दो परम फल बताए, एक तो नंद उत्सव का आनंद और दूसरा है रास में प्रवेश, जो गोपी जनों को मिला, जो ब्रज भक्तों को मिला। फल भी हमारे वही बताए हैं, यात्रा भी वही है, लेकिन थोड़ी जो
प्रक्रिया है उसमें भेद है, साधन में भेद है। क्या भेद है? उस समय जो भक्तों की निरोध अवस्था, जो प्रपंच की विस्मृति हो गई, कैसे हुई कि ठाकुर जी ने करवाई, गोपियों के घर घर जाके माखन चोरी आदि करके दान मान रास आदि के माध्यम से आपने निरोध सिद्ध करवाया। लेकिन हम सब जीवों के लिए कुछ साधन हमें करने पड़ेंगे, और ये साधन कौन से हैं? सेवायां वा कथायां वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे। भक्ति वर्धनी में आपसे आज्ञा कर रहे हैं कि सेवा और कथा के माध्यम से धीरे धीरे ये जो मन की जो निरोध चित्त वृत्ति की जो बात अपन कर रहे हैं, धीरे धीरे वो अवस्था की प्राप्ति जीव को हो सकती है। कब? कि जब गुरु के बताए हुए मार्ग उनकी आज्ञा का जीव अक्षरशः पालन करने का प्रयास करे, घर में ठाकुर जी को पधराकर सेवा करे, नित्य सत्संग करे, और ये सत्संग के द्वारा ही निरोध चित्त वृत्ति, संसारिक जो प्रपंच है उसमें से धीरे धीरे हमारी अनासक्ति आज हो जाती है। स्नेहाद्राग विनाश स्याद आसक्तिया स्याद ग्रहारुचि। सत्संग के माध्यम से स्नेह होता है ठाकुर जी में, और जब ठाकुर जी में स्नेह हो जाता है तो ग्रह कार्य में अपने आप अरुचि सी आ जाती है। उस स्थिति का नाम है निरोध अवस्था। यानी ये जो कथा भी हम श्रवण कर रहे हैं, हमारी धीरे धीरे मनस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि लौकिक विषयों में से आसक्ति हमारी हटे। यही तो चीज हमें समझना है कि विषयों में से आसक्ति हट जाए और ठाकुर जी में आसक्ति लग जाए। यही तो दो कार्य करने हैं मुख्य। यानी कथा जब श्रवण करने बैठो प्रियजनों सत्संग में, तो बड़े ध्यान सावधानी के साथ कि हमें भी ये संसार प्रपंच की विस्मृति हो, धीरे धीरे मन पूर्ण रूप से ठाकुर जी में लग जाए, इस भावना के साथ कथा श्रवण करोगे तो अवश्य आपका भी मन उस अवस्था को प्राप्त होगा ही। दशम स्कंद में श्री ठाकुर जी के ये जो प्रागट्य की कथा और नाना प्रकार की जो श्री प्रभु की ये जो लीलाएं हैं, ब्रज में करी, मथुरा में करी, द्वारका आदि, ये जो भी प्रभु की जितनी भी लीलाएं हैं, अब ब्रज में आपका प्रागट्य हुआ और फिर ब्रज में पूतना तृणावत सट्टासुर आदि, इन जो असुरों को आपने इनका संहार किया, ये सब संहार करके भक्तों को आपने निरोध सिद्ध करवाया अपने स्वरूप से। और जब हम ठाकुर जी की इन लीलाओं का अवगाहन करते हैं तो हमारे अंदर रही हुई पूतना सट्टासुर आदि उन असुरों की निवृत्ति होती है। कैसे? कथा के माध्यम से। अवतार काल में भगवत परायण होने का साधन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। अनवतार काल में भगवत परायण होने का जो साधन है वो भगवत नाम है। कलयुग केवल नाम आधार। भागवत में भगवान ने अपना समस्त तेज पुंज पधराते हुए आज्ञा करी कि जो कलयुग में इस भागवत का आश्रय लेगा, जो मेरा स्वरूप है, इसके द्वारा जीव का कल्याण होगा। तो जब भागवत में रही हुई ठाकुर जी की इन लीलाओं का हम अवगाहन करते हैं तो उससे क्या होगा? हमारे अंदर रही हुई पूतना या ये जो तृणावर्त है, सट्टासुर है या वत्सासुर, अघासुर आदि, ये जितने भी ब्रज लीलाओं में हम श्रवण करेंगे, जो वास्तव में हमारे अंदर रहे हुए आसुरी वृत्तियां हैं, ठाकुर जी की इन लीलाओं के चिंतन से वह आसुरी वृत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यानी ये कथा भगवान ने उस समय पूतना को मारा, वो किया, ये सुनने के लिए हम नहीं बैठते हैं। हमारे अंदर रही पूतना मरे, ये भाव से कथा में आकर बैठो। बाकी उस समय भगवान ने पूतना को मारा, अब उस समय हजारों वर्ष पहले किया, लेकिन अभी क्या? कोई ये प्रश्न करे, ये तो हजारों वर्ष पहले की बात है। चलो, पूतना को मारा, कंस को मारा, अघासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, बकासुर को मारा, ये सब बात ठीक है, लेकिन वास्तव में ये हमारे अंदर रहे हुए आसुरी वृत्तियां हैं। आप देखिए, पूतना का स्वरूप, सर्वप्रथम ब्रज में श्री ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया। कथा आती है, नंदोत्सव चल रहा था, फिर छठे दिन पूतना आई। कब आई? कि जब नंदराय जी कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा पधारे,
जब नंद बाबा वर्ष भर का ये जो कर चुकाना पड़ता कंस का, वह चुकाने के लिए गए और गोकुल की रक्षा करने के लिए किसको सौंपा काम, कि गोप गणों को, ग्वाल बाल गोप जो थे उनको गोकुल की रक्षा का कार्य उनको सौंपा और खुद कहां गए, मथुरा। और जब ये नंदराय जी पधारे तो पीछे से क्या हुआ, पूतना आ गई। देखिए तात्पर्य क्या है, हर एक कथाओं के पीछे तात्पर्य है। गोकुल, गोकुल का अर्थ है इंद्रियां, गो यानी इंद्रियां, कुल यानी समूह। गोकुल यानी इंद्रियां, किसके भरोसे गोकुल को सौंप के गए, गोप, तो गोप का अर्थ है मन। यानी जब हम इंद्रियों को मन के भरोसे छोड़ देंगे तो कौन आएगा, पूतना आ जाएगी। और पूतना यानी क्या, तो कि अज्ञान अविद्या। आचार्य चरण सुबोधिनी में आज्ञा कर रहे हैं, पूतना ये अविद्या का प्रतीक है, अज्ञान का स्वरूप है। इसलिए तो जब पूतना नंदालय में आई तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र को बंद कर लिया, क्योंकि प्रभु के नेत्र के आगे अविद्या टिक नहीं सकती। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि अविद्या पंच प्रवाह होती है, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति। जब पूतना ऐसा मायावी शक्ति को जानती थी, इतना सुंदर स्वरूप लेकर आई, तो उसको देखकर जितने भी गोप पुरुष रूप में थे उस सुंदर स्त्री को देखकर वो मोहित हो गए और कहने लगे, ये कितनी सुंदर है। वर्णन आता है कि जिस प्रकार से भोरे पुष्प के पीछे मंडराते हैं, उसी प्रकार पूतना को देखकर वो गोप उसके पीछे पीछे चलने लगे। यानी पूतना को देख के क्या हुआ, देहाध्यास, देह की विस्मृति हो गई। देह में अध्यास का मतलब है अज्ञान, अध्यास यानी क्या, तो अज्ञान, केवल अपने आप को देह के रूप में ही देखना। लेकिन हम केवल देह नहीं, अंदर रहे हुए देही अंदर विराजमान है, अंतर्यामी स्वरूप। केवल अपने आप को देह मानकर जीवन जीना, इसको पशु बुद्धि कहा जाता है। देहाध्यास, जैसे आगे भी पंचाध्यास की जहां विशेष कथा आती है, जिसमें धेनुकासुर जो है देहाध्यास का प्रतीक बताया गया। और आप देखिए, देह में जो रही हुई हमारी आसक्ति है, वो आसक्ति के चलते हम मनुष्य और पशुओं का व्यवहार एक जैसा रहता है। जैसे गधा होवे, वह गधा को कोई हरी हरी घास दो तो वो खाने के लिए आएगा, और डंडे मारो उसके तो गधे भागेगा। इसी प्रकार से कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसका सम्मान करो, आओ आओ आओ, उसको हार पहनाओ, माला तोरण करो, तो वो बड़ा प्रसन्न होगा। लेकिन डंडा लेके कहीं उसको पीटने का प्रयास करो तो वो भी गधे के जैसे भागेगा। यानी देह में जो रही हुई आसक्ति है, वह आसक्ति के चलते मनुष्यों का और पशुओं का व्यवहार एक जैसा होता है। इसको देहाध्यास कहा जाता है, कि मैं केवल एक शरीर हूं और शरीर मान के शरीर के ही कोड पूरे करना, यह देहाध्यास का स्वरूप है। गधे की बात आई, एक अद्भुत एक बात आती है उस विषय में, एक प्रसंग आता है। यहां पे सब विद्वान पंडित लोग भी बैठे हुए हैं। साहित्य में एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, शायद आपने कभी पूर्व में सुना हो, वैशाख नंदन। एक शब्द आता है वैशाख नंदन, कैसा लगा ये शब्द, अच्छा है ना, बहुत बढ़िया है वैशाख नंदन। कोई आवे और उसके सम्मान में आप बोलो आओ आओ वैशाख नंदन, वो भी एक बार तो सोच में पड़ जाएगा कि कहां से किताबों में से निकाल दिया इसने, भैया यार इतना सम्मान आज हमारा। वैशाख नंदन, पर क्या आप जानते हैं कि ये वैशाख नंदन किसके लिए प्रयोग किया गया है, गधे के लिए। गधे को वैशाख नंदन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक स्टोरी है। देखिए समझिएगा, जैसे जब बरसात होती है, खेतों में बढ़िया फसल होती है, हरी हरी घास होती है, अब ये जब चरने के लिए जाता है गधा,
तो चढ़ते हुए जब जाता है जैसे बरसात के या श्रावण भादों में, तो ये जाते जाते खाते खाते अब खेत पूरे हरे भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा खा के जब आगे गया और पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है अच्छा मैंने इतनी ही घास खाई अभी तक, इतना ही खेत मैंने साफ किया, ये सोच सोच के उसका शरीर सूख जाता है। लेकिन जब वैशाख यानी गर्मी आती है तो क्या होता है, अब गर्मी में वैशाख में इतनी तो वो फसल दिखाई ना दे, सब सूखा होता है, खेत भी खाली होवे, तो ऐसे समय में क्या होता है, एक खेत उसमें थोड़ी सी कहीं घास मिल गई, फिर वो खा के फिर दूसरे खेत में जाता है, फिर तीसरे खेत में जाए, ऐसे 3-4 खेत वो गधा घूम लेता है, और जब पीछे मुड़ के देखता है तो सोचता है ओहो आज तो मैंने बहुत खा लिया, 3-4-5 खेत खत्म कर दिए। और जब वो ऐसा सोचता है तो ये सोच सोच के उसका शरीर फूल जाता है, इसलिए वैशाख में वो रुष्ट पुष्ट होता है, इसलिए उसको वैशाख नंदन कहते हैं। और वहीं पे भादो श्रावण में उसमें तो सहजता से सरलता से घास उपलब्ध है, तो थोड़े से में पेट भर जाता है, वो सोचता है पेट तो घास तो इतनी खाएगा, लेकिन सोचता कैसे, उसकी बुद्धि कैसी है, बस मैंने इतना से ही खत्म किया, एक खेत भी मैं नहीं खा पाया आज, ये सोच सोच के उसका शरीर सूखा पड़ जाता है। लेकिन गर्मियों में उससे उल्टे ओहो 4-5 खेत मैंने खत्म कर दिए, तो उसको वैशाख नंदन कहते हैं, यानी किसी को कहना मत हा वैशाख नंदन, हाँ ध्यान रहे। देह में जो रही हुई आसक्ति, वो आसक्ति के चलते मनुष्य और पशुओं का व्यवहार एक जैसा है, यानी भूतनाग को देखकर ये अविद्या क्या है, पंच परवा है, देह अविद्या देह में आसक्ति कराती है, इंद्रियाद्यास जब भूतनाग के शरीर में से उसने जो केश में जो पुष्प जड़े हुए थे उन पुष्पों से जो सुगंधित सुगंध आ रही थी उसको सूंघते हुए उसकी सुवास से आकर्षित जो ग्वाल बाल हो गए और कई लोग तो मूर्छित हो गए, इंद्रियाध्यास हो गया, प्राणाध्यास हुआ, गोपियों के हृदय में भी उत्कंठा हुई करे ये कौन साक्षात लक्ष्मी आ गई है, अंतःकरणाध्यास। यानी जब इंद्रियों को मन के भरोसे छोड़ देंगे तो अविद्या, यानी इंद्रियों को कुछ संयम में रखो, इंद्रियों पे संयम की लगाम आवश्यकता है, वो कहते ना सुनो सबकी करो मन की, अरे मन तो खुद भटका हुआ है, कहते हैं सबकी सुनो करो मन की, परंतु मन भी तो पहले स्थिर होना चाहिए। अब मन की भी दशा कैसी है, हमारे साहित्य में बड़ा एक सुंदर श्लोक आता है, मर्कटस्य सुरापानम पश्चाद वृश्चिक दंशनम तन मध्ये भूत संचार यद्वा तद्वा भवे। मन को मर्कट के साथ बताया गया है कि मन कैसा है, मर्कट बंदर जैसा, जैसे बंदर एक जगह स्थिर नहीं रहता, चोट आ गई हो फिर भी यहां से वहां वहां से यहां छलांग लगाता है, मन भी ऐसा ही एक जगह स्थिर नहीं रहता। तो साहित्यकार कहते हैं कि मर्कटस्य सुरापानम, अब जो मर्कट जो चंचल है उसमें भी जो उसने सुरापान कर लिया हो तो सोचो उस बंदर की क्या स्थिति होगी। मर्कटस्य सुरापानम पश्चात वृश्चिक दंशनम, दंश बिच्छू का, बिच्छू ने उसकी पूंछ पे दंश दे दिया हो तो वो बंदर की क्या दशा होगी। और तो और तन मध्य भूत संचार है, उसमें भूत का भी संचार हो जाए तो फिर वो मरकट की क्या दशा होगी, यद्वा तद्वा भवेत, वो यहां से वहां गुलांटी लगाएगा, वहां से वहां गुलांटी लगाएगा। यानी ये मन भी ऐसा है, मरकटस्य सुरापानम, वासनाओं के सुरापान ये जीव ने किए हुए, मन ने किए हुए, आसक्तियों के दंश इस मन को लगा हुआ है। और तो और वासनाओं के भूत का संचार इस मन के ऊपर, ऐसे स्थिति में मन कैसा है, यद्वा तद्वा भवे। यानी इंद्रियों को मन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, इंद्रियों पे कुछ ना कुछ संयम लगाम लगा के अवश्य रखो। जैसे सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हुए तो सबसे पहले कि भी मुझे मंगलाचरण करना है, कि मुझे यमनाष्टक करना है, फिर ही मैं कुछ अन्य कुछ भोजन करूं या कुछ भी खाऊं पीऊं, कुछ ना कुछ इस प्रकार के आप अपनी सुविधा अनुसार, लेकिन इंद्रियों पे संयम रखो कि ये समय के कुछ भी हो जाए मुझे दर्शन तो करने हैं, मुझे ये सेवा तो करनी है, इंद्रियों पे कुछ ना कुछ नियम अवश्य लगाइए।
कई लोग नियम लेने से डरते हैं, लेकिन नियम से डरो मत, नियम अवश्य लो। अगर फिर नियम ले टूट जाए तो उसकी चिंता मत करो, नियम तो लो। एक कोई सज्जन थे, उनका नियम था रोज सुबह 4 बजे उठ के 4 माला करना, कई महीनों वर्षों से ऐसा नियम। अब अमुक बार कुछ 2-5-10 मिनट थोड़ा सा विलंब भी हो जाता तो उसके मन में बड़ा ताप होता। अब एक दिन की बात है, आधा एक घंटा लेट हो गया तो कोई आया, उसको उठाया, उठ जा भैया तेरा समय हो गया माला करने का। घड़ी देखी, ओहो बहुत लेट हो गया। अरे भैया आपका बड़ा बड़ा आपका खूब आभार, आपने मुझे जगाया, आज मैं काफी लेट हो गया मुझे उठने में। आप हैं कौन, आपको देखा नहीं पहले, आप कौन हो? तो वो कहता है मैं शैतान हूं। कौन? तो कि शैतान। अरे भैया क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो, सही बताओ। अरे मजाक नहीं, सही कह रहा हूं, मैं शैतान हूं। अरे आप शैतान हो तो क्या शैतान माला करने के लिए उठाता है क्या? आपने तो मुझे माला भगवान को निकट जाने के लिए, माला में जो करता हूं वो आपने मुझे उठाया उसके लिए, आप शैतान कहां से? आप तो कोई सज्जन मुझे दिखाई दे रहे हैं। नहीं 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 मैं तो शैतान ही हूं। वो कहने लगा, अरे शैतान तो वो होता है जो भगवान से दूर ले जाए, आप तो मुझे निकट ले गए तो शैतान कैसे? वो शैतान कहता है मैं तो अपना ही काम कर रहा हूं कि मुझे माला करने में उठाया आपने, उसमें आपका आपका काम कैसे हुआ? देखिए मैंने देखा तेरा नियम है कई महीनों से साल से कि 4 बजे उठ के 4 माला करना, कुछ पल जब तू लेट हो जाता है तो तेरे मन में बहुत ताप होता है, दुख होता है कि आज मैं देर हो गई, आज मुझे लेट हो गया। और जब जब तेरे मन में ताप आता है, दुख होता है इस बात से, तब तब तू और भगवान के निकट पहुंच जाता है। तो मैं तो यही चाह रहा हूं कि तू भगवान के निकट न पहुंचे, इसलिए मैंने तुझे उठा दिया कि भाई माला करने बैठ गया। यानी जब हम कोई नियम लेते हैं, कुछ कारण से कभी नियम छूट जाए तो कम से कम आपके मन में ताप तो होगा, अरे मेरा रोज का नियम था मुझे ये सेवा करना है या ये मुझे पाठ करना है, ये जप करना है, लेकिन आज ये छूट गया, तो वो ताप हुआ ना, वो ताप आपको और निकट ले जाएगा प्रभु के पास। इसलिए नियम अवश्य लो, कुछ ना कुछ नियम अवश्य रखो, इंद्रियों पर संयम की लगाम बना के रखो। और जो इंद्रियों को मन के भरोसे छोड़ दिया तो पूतना यानी अज्ञान इंद्रियों में आकर बस जाएगा। और कोई नहीं पहचान सका, लेकिन भगवान ने तो पहचान लिया, भगवान ने पूतना का उद्धार किया। और जब उसको फल देने का समय आया तो प्रभु ने सोचा कि इसने मुझे दूध भी पिलाया, इसने विषपान भी कराया, फल किसका दूं? प्रभु ने कहा ऐसा करते हैं, इसने जो दूध पिलाया है इसी का ही फल इसको देते हैं। तो जो फल यशोदा जी को श्री ठाकुर जी ने दिया वह फल पूतना को दे दिया। अहो बकियम स्तन काल कूटम जिंघा सिपाय यदप्य साध्वी लभे मतिम ध्यातु चिताम ततोम्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजे में। प्रभु से विशेष दयालु इस जगत में कौन है जो द्वेष भावना रख के आई पूतना, वह पूतना को भी मातृगति आपने प्रदान कर दी है। यानी यह लीला के माध्यम से ब्रजवासियों के अविद्याओं को आपने दूर किया। ये बड़ी बाल घातिनी, इसका स्वरूप 6 कोस जितनी लंबी थी, यशोदा आदि सब घबराए, लाला की नजर उतारने के लिए गौशाला में ले गए, गाय की पूंछ और गोबर और गौमूत्र उसका पेस्ट बनाया, और फिर वह गौमूत्र गोबर लेकर श्री ठाकुर जी के 12 अंग में लगाए और ठाकुर जी के ही अलग अलग नामों का उच्चारण करने लगे। अव्याधजो ग्रीमणिमांस्तव जानवधोर यज्ञ चुतः करितटम जठरम हयास्य अत केशवस्तु दुरैर्शयिनस्तु कंठम विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमैश्वरः कं चक्रः ग्रदः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् तत्पार्श्वर्यो धनुरसी मधुहाजनश्च कोणेषु शङ्कौरगायौपेर्युपेन्द्र साक्षक्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्। पूतना मोक्ष, पूतना कवच,
इस प्रसंग से ये बात भी हमें समझ में आती है, घर में अपने छोटा बालक हो, लगे कि कहीं कुछ नज़र लग गई है या कुछ अस्वस्थ रहता है या बीमारी रहती है, और कोई जीव जाके अन्याश्रय करे न, धागा बांधे न, वहाँ माथो टिकावे न, ये सब फालतू के काम करो, या के करते तो सीधे भारतीय गौवंश हो, जहाँ गाय विराजमान हो, गौशाला हो, श्रद्धा के साथ गाय को एक घर में रखना, एक और जिस प्रकार से वो गाय और भैंस ने सब साथ में रहती है, तो एक पशु बुद्धि उसमें रखना, और एक गाय को माता के रूप में जो सर्वदेवमयी जो गौ है, प्रियजनों गाय की तो बड़ी महिमा है। आप देखिए ठाकुर जी की नजर जो उतार रहे हैं, वह भी एक गवामृत स्नान से गोबर और गौमूत्र का लेपन कर ठाकुर जी के अंग में लगाया है। विचार करिए गाय से पवित्र और क्या है जगत में। यज्ञ आदि कर्म भी करने हो तो उस स्थान को शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का लेपन किया जाता है, तब वहां पे कोई यज्ञ आदि संपन्न हो सकते हैं। तो जिसके मल से स्थान को पवित्र किया जाए, उसकी पवित्रता की क्या आखिर बात की कर सकते हैं, यानी उससे गौ से पवित्र तत्व और कोई नहीं है प्रियजनों जगत में। यानी लगे कहीं बालक अस्वस्थ रहता है या कछु नजर लग गई या ऐसी कोई बात, और कुछ मत करो काम, श्रद्धा के साथ गौशाला में जाकर या अपने घर में गाय हो, भारतीय देसी गाय, वह गाय उसका गोबर और गौमूत्र उसको मिला के उसके अंग में लगा के श्री ठाकुर जी का स्मरण करो, नाम का स्मरण करो, गाय की पूंछ उसके माथा पे घुमाओ, और श्रद्धा के साथ जो आप करोगे, कैसी भारी नजर या कुछ भी क्यों ना हो, अवश्य गौ माता की कृपा से वो स्वस्थ हो जाएगा। गाय ये काम धेनु है, काम धेनु सब कामनाओं को पूरी करने वाली ये गौ माता है। बोलिए गौ माता की जय। गोवर्धन उत्सव भी ये गायों की सेवा करने के लिए ही तो है। गोवर्धन, जिससे गायों का वर्धन हो, वो गोवर्धन लीला है। और ठाकुर जी तो गाय की सेवा करने के लिए ही आपका ब्रज में प्रागट्य हुआ है। कई प्रसंग आते हैं ये ब्रज लीला के अंतर्गत, जैसे जैसे हम आगे इसमें बढ़ेंगे, उसके दर्शन हम करेंगे। तो सर्वप्रथम ब्रजवासियों की आपने अविद्या को यानी दूर किया, यानी पूतना का उद्धार किया। तत्पश्चात प्रियजनों ब्रज लीला में आगे शकट भंजन और तृणावर्त संहार की लीला का वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। यानी जब पूतना का उद्धार किया, उसके 3 महीने बीत चुके थे, और 3 महीने बीत जाने के बाद क्या हुआ, ब्रज भक्तों के अंदर वापिस शिथिलता आने लग गई। जैसे हमने अभी बात की पूर्व में भी, जैसे अभी कथा में हम बैठे हैं तो भाव प्रवृत्त हो जाते हैं, भाव के हिलोरा आने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय निकल जाता है तो भाव वापस शीतल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तो उस समय अवतार काल में भगवान ने देखा कि जो ये भाव इतने ही इनको रहेंगे तो ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए फिर ठाकुर जी ने अपने स्वरूप में विशेष आसक्ति कराने के लिए आचार्य चरण कारिका में आज्ञा कर रहे हैं, ततोप्य लौकिकम लोके विशेष आसक्ति बोधकम। भक्तों को विशेष आसक्ति कराने के लिए शकटोत्पाटनादिकम, आपने ये शकट जो था उसका उद्धार आपने किया। यहां पे परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी को श्री ठाकुर जी के तुका चरित्र श्रवण करवाने की उनको विनती करी, और परीक्षित जी की भावना को देखते हुए उसी प्रकार से श्री ठाकुर जी के तोका चरित्र यानी उत्थाने असमर्थाः तोकाः, यानी जो उठने में असमर्थ है, जो करवट बदलने में असमर्थ है, जो शिशु जो वो बालक रहता है उसको तोका अवस्था कहा जाता है। अब एक दिन की बात, किसी दिन भगवान के निष्क्रमण संस्कार का समय आया, वह निष्क्रमण संस्कार के लिए श्री यमुना जी के तट पर लालन को प्रथम बार नंदालय से बाहर ले गए, यमुना जी का पूजन किया। उसी दिन प्रभु के प्रागट्य का रोहिणी नक्षत्र भी आया, काफी सब ब्रजवासी एकत्रित हुए उत्सव मनाने में आया, काफी भीड़ इकट्ठी हुई। लालन वहां पे निंद्राशील हुए ये देखते हुए, एक शकट के नीचे लालन को यशोदा जी ने पधरा दिया,
भगवान जहां वहां पे उस समय जो ब्राह्मण उपस्थित हुए थे उनकी ज्ञान शक्ति को हरण करने के लिए आप निंद्राशील हुए। जो उनकी ज्ञान शक्ति का आप हरण नहीं करते तो फिर ब्राह्मण आशीर्वाद कैसे देते? तो आप निंद्राशील क्यों हुए? कि ब्राह्मणों की ज्ञान शक्ति का हरण करने के लिए आप निंद्राशील हुए, जिससे ब्राह्मणों ने कि ये यशोदा जी के बालक हैं वो आशीर्वाद दिए। लेकिन हुआ क्या, ठाकुर जी के निंद्राशील होने से जितने भी वहां पे लोग थे सबके ज्ञान शक्ति का हरण हो गया। ठाकुर जी को शकट के नीचे पधराकर और ये सब नंद यशोदा मेहमानों के आगता स्वागता में लग गए, नेत्र खोला देखा कि उनको अकेला छोड़ दिया और ये सब तो वहां पर उत्सव मना रहे हैं। तो प्रभु सोचे कि जिसके लिए इकट्ठे हुए, जिसके लिए उत्सव मनाया, उसको तो कोने में डाल दिया और ये वहां पे, तो ये तो उचित नहीं है, ये तो गलत हो गई। जैसे एक बार किसी की बारात जा रही थी, दूल्हा बैठा हुआ घोड़ी पे, आगे बैंड बाजा चल रहा है, बारातियां डांस कर रहे हैं, फटाके चल रहे हैं, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, घोड़ी बिदक गई, दूल्हे नीचे, उसके साथ वाले जो थे मित्र एका दो, तो उसने उसको उठाया, लगी तो नहीं, फिर वापस बिठाया। अब आगे वाले को पता नहीं चला, वो तो भांगड़ा कर रहे हैं, तो ये आके किसी ने कहा, अरे भैया तुम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हो, वो तो अपना मित्र वो दूल्हा तो नीचे गिर गया था। ए वो भले नीचे गिरा, हमें तो डांस करने दे। अरे जिसकी शादी में तुम आए हो यहाँ खाना, वो बेचारा नीचे गिर गया और तुमको नाचने में मजा आ रही है, तो गलत है ना ये। तो ठाकुर जी ने सोचा कि जिसके लिए ये उत्सव मना रहे हैं उसको तो शकट के नीचे, और ये भीड़ भाड़ में आनंद कर रहे हैं मुझे अकेला छोड़ के। तो पहले तो रोना प्रारंभ किया, जैसे बालक की प्रवृत्ति होती है बुलाने के लिए रोता है, और जब देखा कि रोने की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही तो खेल ही खेल में आप रोते रोते हाथ पांव को चलाने लगे, और रोते हुए हाथ पांव चलाते हुए आनुषंगिक क्या हुआ, दो कार्य हो गए। यशोदा जी नंद बाबा का सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और वो जो शकट पे रस पदार्थ रखे हुए थे वह शकट का आपने भंग कर दिया। जहां शकट को प्रभु के चरणारविंद का स्पर्श हुआ, स्पर्श होते ही शकट ऊपर गया और धड़ाम करके नीचे गिरा, शकट भंग लीला की। श्री आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि ये जो सप्तासुर खंडन शकट भंग जो लीला है, पूर्व कोई कल्प में भी भगवान ने सप्तासुर खंडन किया था, वो असुर के रूप में था, लेकिन यहां पे इस कल्प में यह शकट भंग जो है ब्रजवासियों की लौकिक आसक्ति छुड़ाने के लिए आपने ये शकट भंग किया। क्योंकि ये शकट यानी गाड़े में क्या रखा हुआ था, उसी मेहमानों के जो आए हुए उनकी रस सामग्री जो उसमें विनियोग होना है, तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या किया आपने, शकट भंग किया। यानी जैसे ही शकट भंग हुआ तो सब पदार्थ नष्ट हो गए, तो सब दौड़ते हुए सब ठाकुर जी के पास आ गए और अब तो कहवे लग गए, अरे अब तो कोई अकेलो लाला को नहीं छोड़ना, कोई ना कोई पास में अवश्य रहना। यानी शकट भंग के द्वारा लौकिक आसक्ति छुड़ाई, यानी ग्रह कार्य आदि भी जब अपन करते हो वह लौकिक कार्य करते भय भी ध्यान रखना कि हमारा मूल कार्य क्या है, श्री ठाकुर जी की सेवा है। जो जो भी वैष्णव श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर में आ रहे हैं, नित्य सेवा कर रहे हैं, आप अपने अपने ग्रह कार्य भी, वो भी आवश्यक है, लेकिन याद रहे मुख्य इन सबसे प्रधान हमारे ठाकुर जी की सेवा है। और जब आप सेवा लौकिक आसक्तियों के चलते सेवा से दूर हो जाते हो तो फिर ठाकुर जी शकट भंग करते हैं। जब जब अपने जीवन में शकट भंग हो, यानी आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, कई बार शकट भंग में क्या हुआ, नुकसान हो गया, नुकसान ही हुआ ना, पदार्थ सब नष्ट हो गए। यानी जब जब जीवन में कुछ ऐसी घटना घटे शकट भंग की, तो समझ जाओ ठाकुर जी आप अपनी तरफ अपनी आसक्ति कराने के लिए यह शकट भंग किया है। यानी हमारी लौकिक आसक्ति इतनी नहीं बढ़ जाए कि हम सेवा से दूर हो जाएं। इसी को सप्तासुर कहा जाता है, पूर्व संचित स्वासक्ति विषयी भूत भगवत अनुपयुक्त ग्रह रूप शकटस्य। भगवान में जो अनुपयोगी वस्तु या व्यक्ति हैं वह सब शकट का स्वरूप है। तो यह लीला के माध्यम से लौकिक आसक्तियों को छुड़ाया। तत्पश्चात एकदा रोहमारूढ़ लालयंती सुतम सती गरिमाणम शिशुरवोढ़ुम न सेहे गिरिकूटवत्।
एक दिन की बात है, यशोदा जी लालन को गोद में लेकर ठाड़े थे, अचानक से गिरी कूटवत इतने भारी हो गए उठा नहीं सके। सोचने लगे या तो मेरे लाला को वजन बढ़ गयो अथवा तो मैं उठाए कि मेरी शक्ति कम हो गई। नीचे छोड़ दिए, नीचे रख दिए। और वही समय भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, भार से पीड़ित वह यशोदा जी ने लालन को नीचे पधरा दिया और उस समय तृणावर्त आया, तृणावर्त आकर भगवान को उड़ाकर ले गया। भगवान ने फिर तृणावर्त का उद्धार किया। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि ये तृणावर्त लीला जो है इसके माध्यम से यशोदा जी को जो प्रभु में अलोक प्रभु के जो अलौकिक स्वरूप में जो स्नेह है प्रेम है वह लौकिक भाव से करती हैं अथवा तो लौकिक बात लौकिक बालक समझकर वो प्रेम कर रही है। यानी आज ठाकुर जी ने एक ही पल में लघु हुए, एक ही पल में गुरु हो गए यानी भारी हो गए, फिर हल्के हो गए। यानी आपने ये बताया कि मैं कोई लौकिक बालक नहीं हूं, आपने अपना अलौकिक स्वरूप प्रकट करने के लिए यानी भगवान के अलौकिक स्वरूप में लौकिक बुद्धि नहीं रखनी, लौकिक भावना नहीं रखनी। ठाकुर जी के सन्मुख में आकर फिर लौकिक बातें करें या ठाकुर जी से कुछ लौकिक चीजें मांगे वो हुआ अलौकिक स्वरूप में लौकिक आसक्ति लौकिक बुद्धि। न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम, न ठाकुर जी लौकिक हैं न लौकिक बातों को जानते हैं, इसलिए ठाकुर जी के आगे अपने लौकिक प्रपंच की बातों को कभी ठाकुर जी के आगे कहना नहीं चाहिए। और जब जीव अपनी लौकिक बातों को लौकिक दुखड़ों को भगवान के आगे गाता है तो भगवान के अलौकिक स्वरूप में उसकी लौकिक बुद्धि कही जाती है। यानी भगवान अपने अलौकिक स्वरूप को प्रभु का स्वरूप कैसा है, आनंद आनंद रूपम अमृतम विभति, आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सच्चिदानंद विग्रह कृष्णाय क्लिष्ट कर्मणे आनंद मूर्तिम आदि आदि अलेख उपनिषद पुराणों में जो भगवान के स्वरूप के विषय में जो बताया गया है। यानी अलौकिक भाव से श्री ठाकुर जी की भक्ति सेवा करनी चाहिए, ये तृणावर्त लीला का रहस्य है जो हमारे आचार्य चरण समझाते हैं। और देखिए जब तृणावर्त ऐसा नहीं कि उस समय लीला में सारस्वत कल्प में ही आया था, आज भी घर घर में तृणावर्त देखा जाता है। तृणावर्त आने के तीन द्वार हैं। तृणावर्त यानी समझते हो ना, वो बहुत तेज आंधी चलती है और फिर भवंडर जो आता है गोल गोल वो हवा के उसके प्रभाव से जो भी नीचे रखा होता है वो उसमें उड़ के चला जाता है, उसको तृणावर्त कहा है। और तृणावर्त जब आता है ऐसी आंधी तूफान आती है तो सामने कुछ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार से तृणावर्त उस समय आया ऐसा नहीं, आज के समय में भी तृणावर्त देखा जाता है। कामनाओं की आंधी, लोभ की आंधी, क्रोध की आंधी, और वो आंधी में ये तृणावर्त में जीव ऐसा फंसा हुआ है कि उसको अपने ठाकुर जी भारी लग रहे हैं। क्योंकि जब तृणावर्त आया तो यशोदा जी को उसके लालन भारी लगे, मतलब जब हमको सेवा भारी लगे, धर्म भारी लगे, आचार विचार भारी लगे, अरे हमको तो ये काम है वो काम है या मैं नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे घर में तृणावर्त आ गया है कि तुम्हें सेवा भारी लग रही है। जब तुम सेवा से वंचित हो जाते हो, सेवा के लिए कहते ना समय नहीं है, समय नहीं है, टाइम कहां है, ये शब्द जहां आपके मुख से आ गया इसका मतलब कामनाओं के भवंडर में तुम ऐसे फंस गए हो, लोभ के भवंडर में ऐसे फंस गए हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है अपने स्वरूप, और उसमें हमको हमारा धर्म भारी लगता है। और देखिए तृणावर्त आया तो भगवान को उड़ा के ले गया, मतलब हमारे हृदय में रहा हुआ जो भक्ति भाव है ये तृणावर्त आकर उसको उड़ाकर ले जाएगा। एक एक जो श्री ठाकुर जी की ये ब्रज की लीला है, हमारे आचार्यों ने बड़े सुंदर इसके सिद्धांत इसके भाव प्रतिपादित किए हैं। आगे लीला का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, भक्तिर ज्ञान तथा पूर्ण विस्मयश्च तथम परम जातो लौकिक भावस्य दृढ़त्वादिति रूपये। यशोदा जी लालन को दुग्धपान करा रही थी, उसी समय लालन ने झंभाई ली, यशोदा जी को लालन के मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हुए। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं क्यों मुखारविंद में दर्शन कराए ठाकुर जी ने यशोदा जी को, तो कि असंभावना दोष निवृत्त्यर्थम, असंभावना दोष अर्थात
जैसे कि ये तृणावर्त आया, सक्टासुर था, पूतना, विपत्ति आई और टल गई, तो यशोदा जी क्या सोचने लगे कि ये देखो कोई हमारे पूर्व जन्म के ऐसे कर्म होंगे, सत्कर्म, दान पुण्य या हमारे, कि जिसके चलते विपत्ति आई और टल गई। तो भगवान ने मुखारविंद में दर्शन कराए ब्रह्मांड के और बताया कि जो भी करने वाले हैं वो करने वाला मैं स्वयं हूं, अपना महात्म ज्ञान प्रकट किया। यानी वैष्णव अपने जीवन में जो भी कुछ कार्य हो रहा है वो कराने वाले हमारे श्री ठाकुर जी हैं, मैंने किया इसके द्वारा ये हुआ। वो कहते हैं कई बार लोग कोई नेता हो या अभिनेता हो उससे इतना उसका साथ हो जाएगा, उसके दोस्ती हो जाएगी तो मेरा काम सहज हो जाएगा। याद रखो इसको अन्याश्रय कहा जाता है। अपने जीवन में अपने जो भी कार्य सफल होंगे वो कराने वाले श्री ठाकुर जी ही हैं, ये बुद्धि वैष्णव को रखनी चाहिए। फिर हाँ वो कोई अलग अलग रूप में आके हमारी मदद करें, लेकिन वैष्णव को क्या भाव रखना, वास्तव में ये सब कराने वाले श्री ठाकुर जी हैं। इसके वजह से मेरे ये दुख दूर हो गए या इसके वजह से ये हुआ, नहीं। तो असंभावना दोष निवृत्त्यर्थम श्री ठाकुर जी ने अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन कराए। तदपश्चात आगे नामकरण प्रकरण प्रारंभ होता है, जिसमें गर्गाचार्य जी ब्रज में पधारे वसुदेव जी के कहने पर, और दोनों बालकों को गौशाला में ले गए। दोनों बालकों को देखकर नामकरण संस्कार किए। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्तते राम इति बलाधिक्याद् बलं विदुः यदुनाम मृतप्रभावात् संकर्षणमुष्यते। ज्येष्ठ पुत्र के तीन नाम बताए, रोहिणी के पुत्र होने से रोहिणे इनका नाम बताया। साथ ही साथ ही अपने गुण सामर्थ्य से सबका पालन पोषण करेंगे इसलिए इनका नाम राम, सबको आनंदित करेंगे, शक्ति भी बहुत होगी इसलिए बलराम, और गर्भ के कर्षण से इनका नाम संकर्षण रखा गया। और जब लालन के दर्शन किए तो उनके दर्शन करके के बहुनी संति नामानी रूपानी च सुतस्य ते गुण कर्मानी, इसके तो कई गुण हैं, कई कर लीलाएं हैं, कई नाम हैं, हर युग में ये अलग अलग, सतयुग में शुक्लवर्ण, त्रेता में रक्त, और इस समय ये द्वापर में श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम है कृष्ण। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा कि गर्गाचार्य जी के द्वारा ही ये कृष्ण नाम प्रकट नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कोई नए नाम नहीं बताए हैं, जो प्रभु के हैं नाम अनादि हैं, क्योंकि जब भगवान है भगवान अनादि हैं, उन्हीं नामों को पुनरावृत्ति की है। ये कृष्ण नाम केवल गर्गाचार्य जी ने दिया ऐसा नहीं है, आपका नाम तो पहले से ही है, उन नामों का गर्गाचार्य जी ने स्मरण करवाया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तदपश्चात प्रियजनों आगे रूप लीला का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत श्री ठाकुर जी की अब रिंगण लीला का वर्णन है कि अब ठाकुर जी जानु रिंगण, यानी दो हाथों के बल और दो घुटनों के बल अब घुटमन लीला, रिंगण लीला नंदालय में करने लग गए। और वह रिंगण लीला करते समय श्री ठाकुर जी की जो अलग अलग लीलाएं हैं, जिनका यहां पे 10 श्लोकों के माध्यम से वर्णन किया गया है। सुखदेव जी कहते हैं कालेन व्रजतालपेन गोकुले रामकेशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहतु। कब कुछ ही दिनों में बलराम और केशव गोकुल में हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए क्रीड़ा करने लगे। देखिए जगत को चलाने वाले आज माता पिता के वात्सल्य के भाव में वशीभूत होकर खुद घुटमोनों के पद चल रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने इस श्लोक में केशव शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या करी। प्रशस्ता केशाः यस्य स केशवः। केशव यानी कौन, कि जिनके केश अति सुंदर हैं वह केशव। कश्चैशश्च इति केशाः तान् वयते प्रशासति इति केशवः। दूसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं कि जो तीनों देवताओं के प्रशासक हैं उनका नाम है केशव। अथवा तो मुस्कुराते समय जिनके मुख से किरण प्रकट होती है वो केशव। केशान वयते प्रशासति राधया इति केशवः। बड़ी सुंदर व्याख्या श्री आचार्य चरण कर रहे हैं
जो निकुंज में श्री राधा के केश को एक हाथ से उठाकर दूसरे हाथ में लेकर गूथ रहे हैं उनका नाम है केशव। यानी आप विचार किए, एक ही नाम में श्री आचार्य चरण ने श्री ठाकुर जी की कई प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर दिया, एक ही नाम से अलग अलग लीलाओं को यहां पे प्रतिपादित किया है। सुंदर श्रृंगार वस्त्र धराकर तन्या धरावे, कंठावर धरायो, कड़ा धराए, आंखों में अंजन धरायो, सुंदर तिलक धरायो, मोर पंख धरायो, पाग बांधी, हाथ में पहुंची है, और ऐसे सुंदर लालन जब घुटमन चलते चलते पूरे नंदालय में घूमे। हमारे भक्त कवि वर्णन कर रहे हैं धूरी परे अति शोभित श्याम जो, धूरी परे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, खेलत खात पड़े अंगना पग, पेजगी बाजत पीरी कछोटी, या छवि कोरस खान वेलो कत वारत काम कला निधि को, वारत काम निधि को, धूरी परे अति शोभित श्याम जो। वहां अंगना में खेल रहे हैं, धूर मिट्टी में खेल रहे हैं। एक बार तो अंगना में खेलते खेलते सीधे बाहर निकल गए, वो लंबो दाढ़ी वाले कोई ब्रजवासी दिखे हो तो लगे हो कि नंद बाबा जा रहे हैं, तो बाबा बाबा कहते भाई सीधे बाहर। जहां वो ब्रजवासी ने पीछे मुड़ के देखे हो तो इनको पता चली, अरे ये तो बाबा नहीं, तो वापिस दौड़ते घुटमन चलते चलते ऐसे त्वरित गति में नंदालय की ओर, और यशोदा जी द्वार पे ठाड़ी भई है और त्वरित गति से दौड़ते भाई घुटमन चलते चलते लालन यशोदा जी के पास आ रहे हैं, और वो लालन के दर्शन करके यशोदा जी के हृदय से प्रेम की दूध की धारा बहवे लग जाए। ऐसो वात्सल्य रस उनके हृदय में उमड़े, तुरंत गोदी में उठा ले, उठा लियो और अब बिठा के गोदी में हृदय से लगा के दुग्ध पान करावे लग जाए। तन्मांतरो निजसुतो घृणयास्त्रवंतो पंकांग राग रुचिरावक गुह्यदोर्भ्याम दत्वा स्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मितालपददर्शनं ययतुः प्रमोदम्। बड़ा सुंदर वर्णन किया, जब यशोदा जी लालन को दुग्धपान करा रही है और वह समय अपने आंचल से ढाक के लालन को, तो ये अपने छोटे छोटे चरणारविंद से वापिस पांव से वो साड़ी को हटा ले, तो यशोदा जी को मोड़ो देखे, मोड़ो देखकर यशोदा जी को देख के इतने प्रसन्न हो जाएं कि अब जब लालन हंसे तो दत्वासनम दो छोटे छोटे दूध की दतियां यशोदा जी देखे, और वो देख के यशोदा जी को इतनो लाड़ आवे, इतनो प्यार आवे, फिर वापिस ढाक दे, फिर वो लाज से हटा देवे वो वस्त्र को, और यशोदा जी के मुड़े को देखे हंसे, उनसे बातें करें, इतनो प्यारो प्यारो मत हंसो कर कोई की नजर लग जाएगी, और फिर आंख में से अंजन लेके ये लाला को डिठो ना वाकू लगा देवे। कभी कभार तो घुटमन चलते हुए सीधे गौशाला में चले जाएं, बछड़ा बैठो भयो होवे ने कृष्ण मानो, अब बछड़ा बैठो वाकु पीछे से जाके पकड़े, बछड़ा चंचल तुरंत खड़ो हो जाए तो वो घसीटे बछड़ा ठाकुर जी को, यूं से यूं घसीटे प्रभु यहां से यूं जावे, गोपियां जो वहां पे श्रुति रूपा ने ठाड़ी ठाड़ी देखें हंसे वो ठाकुर जी की ये लीला को आनंद ले। कभी तो बड़े बड़े नाखून वाले बड़े बड़े सिंग वाले जहां पशु आवे घुटमन चलते भाई वहां चले जाएं, क्योंकि घुटमन चलवे वालों बालक एक जगह तो स्थिर बैठे नहीं। गृहयाणि कर तुम अपि यत्र न तज्जनन्यो
शेकात आप दुर्लम्बन सोनवस्थान। लालन की ऐसी चंचल मनोवृत्ति को देखकर यशोदा जी को चित्त हमेशा लालन में लगे हुए रहते, उनको बारे में चिंतन करते रहे। जैसे माँ को चित्त कैसे अंदर घर काम भी करते हुए ना बालक बाहर हुए ना तो बाकी नजर यू देखे, हाँ है तो बाको बाप भले वहां बैठो भयो हो लेकिन फिर भी माँ और वहां कछु मोड़े में लेवे जाए वो माँ दौड़ती भाई अरे तुम बैठे हो देखो तो सही है क्या डाल रहे मुंह में। माँ का चित्त तो उसके बालक में हमेशा रहता है। अब लालन की ऐसी चित्त वृत्ति देखकर मैया क्या करे, ग्रह के दूसरे सब कामों को गौण करे और लालन को अपनी गोद में बिठा के रखे, वासे बातें करे। नंदालय में नंद भवन में यशोदा मैया की गोद में लालन विराजमान है। हमारे आचार्य चरण हमारे प्रभु चरण आज्ञा कर रहे हैं, पुष्टि मार्गीय जीव जा वैष्णव जो अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करे है वो स्वरूप कौन सो है, तो कही यशोदोत्संग लालितम, ये यशोदा जी के उत्संग गोद में विराजमान वह बाल कृष्ण की हम अपने घर में सेवा करे हैं। ये यशोदा जी के भाव से सेवा करनी है प्रियजन, वह कोमल स्वरूप अपने घर में विराजमान है। धीरे धीरे अब बड़े होते जा रहे हैं, बछिया की पूंछ पकड़ के खड़े होवे को प्रयास करें। काले नालपेन राजर्षे राम कृष्णश्च गोकुले अग्रष्ट जानुभि पद्मे विचक्र मत्तुरज्जसा। गाय की पूंछ पकड़ के खड़े होवे को प्रयास करें फिर गिर जाएं, पाचे खड़े होवे फिर गिर जाएं, गोपियां देखें और अब तो धीरे धीरे खड़े होनो सीख गए चलनो सीख गए, अनायास ही दोनों सीधे दोनों बालक चलनो सीख गए। अब चलते चलते अलग अलग प्रकार की लीलाएं करवे लग गए। इन जो ठाकुर जी की ये जो सब अब आगे जो माखन चोरी आदि जो लीलाएं हैं जाको आचार्य चरण ने तीन प्रकार की बताई है कि ठाकुर जी की ये जो लीलाएं हैं तीन प्रकार की हैं, जामे कौतुक विष्टा रसाविष्टा और कामाविष्टा। ये श्रुत सुबोधनी जी में आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि अब तो खड़े होके चलवे लग गए तो अलग अलग प्रकार के कौतुक करवे लग गए, चोरी करवे के कौतुक विष्टा। एक दिन अपने घर में ही स्वयं लालन आप चोरी कर रहे थे, यशोदा जी कहीं बाहर गई तो अपने हाथ से माखन चुराए हुए लग गए और अब माखन खा रहे थे अपने आप, कोई को कहे बिना वह समय खंभ में खुद को प्रतिबिंब दिखाई दियो, जो कहां जहां खंभ में अपनो प्रतिबिंब दिखाई दियो तो वाकू देखकर एकदम चौंक गए, अरे ये कौन आयो, तू कहां से आयो भैया, कछु बोलियो मत ले चुपचाप। अब खुद जो माखन आरोग रहे थे एक लौंदा वाग पे डालू, ले तुको तेरो हिस्सा दे दू, मैया तक कछु मत कहियो, अपने प्रतिबिंब के साथ आप खेल रहे हैं। लेकिन वहां तो यशोदा आई ने देख वे लग गई, ये ठाकुर जी की कौतुक लीला है। एक दिन यशोदा जी की अनुपस्थिति में मटके हाथ में लेके अंदर हाथ डाले और माखन आरोग रहे थे, वहीं पे यशोदा ने देखो अरे लाला ये क्या कर रहे है। अब देखो कोई मैया की मना थोड़ी है कोई आरोग आवे की खावे की, लेकिन ये ठाकुर जी ऐसे लीला करे कौतुक जैसे लालन में और आसक्ति बढ़े मैया की और प्रेम बढ़े। का कर रहे हो लाला, अरे मैया का बताऊं, ये तेने हाथ में जो मुकु ये कंकण धरायो है और वह कंकण में जो पद्मराग जड़े हो है वह पद्मराग की लपेट से इतनो मेरे हाथ में जलन मच रही है कि वह जलन को शीतलता प्राप्त कराए के लिए मटकी में हाथ डाल रहा हूँ, माखन में हाथ डाल रहा हूँ कि जैसा ये शीतलता मिले, ये ऐसो पद्मराग तूने जड़े हो तो मैं का करूं। तू ऐसो मत सोचियो कि मुकु को जरूर माखन को लोभ है, तू ऐसो मत सोचियो। सबसे पहले यशोदा जी के उनका माखन आपने अपने ही घर में चोरी प्रारंभ करी, तदपश्चात बाहर निकलकर ग्वाल बालों के साथ अलग अलग घर में जाकर माखन चोरी कर रहे हैं। रसाविष्टाहा गोपियन के अंदर ठाकुर जी की ये सब लीलाओं को माध्यम से उनके अंदर और रस जागृत होता है, दर्शन की कामाविष्टा जागृत हो जाती है और जहां अलग अलग प्रकार से माखन चोरी आपने कौतुक करी और चोरी होवे तो हल्ला होवे ही ना, सब हल्ला मचाए हुए आ गई यशोदा जी के आंगन में और आके कहवे लग गई, वत्सान मुंजन कचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयम स्वात्य तत्त्व तदिपयः कल्पितैस्तेय योगैः।
मर्कान् भोक्षण विभजति सह चेन्नाति भाण्डं भिनन्ति द्रव्यालावे सगृही कृपितो यातु प्रत्युश्च तोकान् वत्सान् मुञ्चन कचिद समये क्रोश संजात हासः। एक गोपी आके कहवे लग गया, अरे मैया ये देख तेरो लालन कैसो है, बछड़ा को खोलवे को समय नहीं हो, वाके पहले बछड़ा खोल दे और सबरो दूध पी जाए, कछु बचे ही नहीं। देख तेरे लाला को समझा, हर एक को अपनो समय होवे। वत्सान मुंचे कचिद समय, अब ये क्या करें, लालन गोपी के घर आंगन में जावे, बछड़ा को खोल दे और फिर अंदर जाके कहें, अरे तू ये दधि मंथन कर रही है, बाहर तो देख बछड़ा खुलो पड़ो है, सबरो दूध पी जाए। को कोने खोल लो तो के मुकु का पता, मैं तो को समाचार दे रहा हूं। अब वो एकदम भागती भी जाए, बछड़ा तुरंत हाथ में तो आवे नहीं, यहां से वहां भागे, वहां से वहां भागे, और वो चक्कर में ये लालन अपनी मंडली को जो अंदर बुलाए लें और माखन एक दूसरे को अरोगावे, एक दूसरे को चाटे, मटकी फोड़ दें, बाके वस्त्र को पूरे छाछ में भिगो दें, ये आपको नियम। और बड़ी मेहनत से जब बछड़ा पकड़ के बांध के वो जब अंदर आवे तो देखे तो पूरो घर में छाछ ढुली भई, वस्त्र भीगे भय, मटकी फोड़ी भई। और जैसे ही लालन बाहर जाए और फिर अंगुष्ठ दिखावे, देख तो को कैसी बनाई, देख तो को चिड़ावे, अंगूठा दिखावे, परमानंद ब्रजवासी सांवरो, परमानंद ब्रजवासी सांवरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, मेरी भरी रे मटुकिया भैया। आप तू बता के कैसे आपको कंट्रोल करें, कैसे समझावें। दूसरी गोपी कहे ये अकेलो नहीं आवे, ग्वाल बालन को संग लेकर आवे। हाँ मेरो बेटा अकेलो अकेलो नहीं खाए, सबको साथ में खवावे, एकल सूढ़ो नहीं है। तीसरी कहवे लग गई, ग्वाल बाल को तो खवावे लेकिन मरकान भोक्षण विभजति सह, बंदरन को लेके आवे। मैया कहे लाला तू बंदरन के साथ में घूमे, प्रभु कहे मैया ये बंदर मेरे सखा हैं, बंदर तेरे मित्र कब से हो गए। मैया बड़ी पुरानी दोस्ती है, पिछली बार इन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ो सेतु बनायो, वह समय तो मैं इनको कछु दे नहीं पायो, परंतु या समय माखन मिश्री लुटाए रहूं, आनंद करवा रहूं, ये बंदर तो मेरे सखा है। मैया सोचे कि ये बालक कैसी कैसी बातें करें, लेकिन ये कोई साधारण बालक तो है नहीं। नी के राग यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो, धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो, जा धन को मुनि जब तब खोजत, जा धन को मुनि जब तब खोजत,
वेद उपार न पायो वेद उपार न पायो शोधन कैसी बात, लेकिन ये तो सार नारायण ब्रज आयो धर्म ही ते पायो यह धन धर्म ही ते पायो। मैया कहे ऐसो कर गोपी, ये तेरी मटकी को अंधेरे में छुपा के रखो कर, तो अंधेरे ते तो बच्चा वैसे ही डरे, वहां जाएगा ही नहीं। वो गोपी कहे मैया मैंने ये करके भी देख लियो, तो के तो का भयो, देख एक तो ये जो तेरो जो लाला है ना, या को लाला को जो वपु है श्रीअंग, इतनो चमकदार इतनो तेज है या के स्वरूप में, और तो और ऐसो तेजोमय स्वरूप में तू ये ऐसे हीरा माणिक पन्ना के आभरण धरावे, तो अंधेरे में रखी हुई मटकी भी ये ढूंढ लेवे वाके प्रकाश से। अब तू बता क्या करें। तो मैया कह ऐसो कर ऊपर टांग के रख दे, वहां हाथ ही नहीं पहुंचेगो। मैया ऊपर भी लखी, परंतु ये जो तेरो लाला अकेलो नहीं है, ये क्या करे नीचे आठ आठ बरस वाले को नीचे रखे, फिर चार चार बरस वाले ने सबके ऊपर चढ़ के और ये मटकी उतार ले। अरे ऐसो कर तू अपने घर में मत रख, पड़ोसी में बगल में रख दे। मैया वो भी कर लियो, तो फिर क्या भयो, बगल में हम रखे ना, तो ये क्या करे हमारे छोरा इनको चूटिया भरे और चिड़ावे, देख तेरी माँ कैसी, देख तेरी माँ कैसी, हम ग्वाल बाल के लिए कछु माखन नहीं रखे, कछु नहीं रखे, देख तेरी माँ कैसी, हमारे छोरा इनको रुवा के चलो जाए। मैया काका बताए अभी तो कह नहीं सके, कभी आके का करे मटकी फोड़े वस्त्र को भिगोवे, कभी तो कछु कभी तो कछु, कभी तो लघु शंका आके कर जाए। मैया आगे की नहीं बोले तो ही ठीक है, काका करे। अब मैया लाला तू ऐसो करे, नहीं मैया ये तो बिल्कुल जूठी है। अच्छा तो को बताऊं सच्ची बात, हाँ बोल का भाई बेटा, तेरो भी पक्ष सुनना जरूरी है, दोनों पक्ष सुने तभी तो निर्णय आवे, खाली एक गोपियन को मैंने, तू बता का भाई बेटा। तो सुन मैया, सुन मैया या के गुण मोसो, सुन मैया या के गुण मोसो, इन मोहे लियो बुलाई से दधी में पड़ी सेत की चेटी, बार बार मोते कढ़ाई। मैं तो वहां से खेल तो भयो आगे से जा रहा था, तो मुकु देख के बुलायो के काना यहां आइयो, तो मैं गयो, तो मैंने पूछी कि क्या बात है क्या काम है, तो कि मेरो काम करेगो, तो कि मैंने पूछी क्या काम है, तो कि ये दधी में पड़ी सेत की चेटी बार बार मोते कढ़ाई, तो कि या में चेटियां पड़ गई हैं, तू ये दही में से निकाल देगो चेटियां सब बाहर। तो मैं वो चेटियां निकालवे के लिए मुकु बिठा दियो, मटकी फूट भी जाए मैया, एक तो मैं काम करूं टहल करत में या के घर की, मुकु तो घर के टहल में लगा दे और खुद पति संग मिल सोई, मुकु घर के सबरे काम में लगा दे और खुद पति के साथ मिलके अंदर सो जाए पट्टी। सूर वचन सुनी हंसी यशोदा, गोपी न रही मुख चूही। वाह गोपी को इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई, इतनी भीड़ में ये सबन के आगे का बोले, याकू कछु याकी बात कछु करवे जैसी नहीं है। भगी वहां से सीधे घर चली गई। कौतुक विष्टा प्रिय जनों, ये श्री ठाकुर जी की अलग अलग प्रकार की। एक गोपी तो कहे कि तुम्हारो ये लाला तो इतनो धूर्त है, देखो ये ठाकुर जी की धूर्त लीला। याकू ये सबरो पता है कि कौन सी मटकी में का रखो गयो है, माखन की मटकी होवे तो वहां में बड़ो सो छिद्र करे, छाछ की मटकी में छोटो सो छिद्र करे, यानी बड़ो छिद्र करे तो वहां में से माखन को लौंदा निकले, और छाछ की मटकी में पतलो सो छिद्र तो वो धार आवे ना, खुद भी पिए और सबन को। और तो और मैया भांडम बार बार जो भांड हमारे ये तोड़ेगो, तो फिर हम नए नए भांड हम बार बार तो कहां से लेकर आएंगे। मैया नेक तू आपको संभाल।
कितने ही गोपियन ने आके उलाना दिए, लेकिन यशोदा मैया तो जाको जो बिगार कियो मोसो सो मांग ले हो, गारी मत दीजो ओ गरीबन को जायो है। भैया बहना तुम लोगों को जो जो भी कछु बिगाड़ो होवे ना वो सब तुम मुंह से ले लो, लेकिन मेरे लाला के लिए कछु मत कहियो, मेरे लाला के दोष मत देखो, बाकी बुराई मत करो। यह अलग अलग प्रकार की माखन चोरी करके प्रियजनों श्री ठाकुर जी आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि जो दो प्रकार की जो गोपी हैं, एक प्राकृत स्वभाव वाली, उन गोपियों को निरोध सिद्ध करवाना आवश्यक है, यालिए उनके घर में माखन चोरी कर रहे हैं, और एक दूसरी है लौकिक वाक्य परिनिष्ठिता। कई ऐसी गोपी हैं जो सेवा में आना चाहे सन्मुख होना चाहे लेकिन मन में संकोच हो, ये लोक का बोलेंगे, लौकिक वाक्य परिनिष्ठिता, लोक कान बीच में आ जाए, ए ये रोज रोज क्या जाते हैं, रोज रोज क्या करते हैं। कई लोग होते हैं ना मंदिर में भी सेवा में आवे ना तो बोलवे वाले होवे, ये रोज रोज क्या मंदिर में जाते हैं, रोज रोज क्या है, लोग होते हैं उनका काम कहना है। जैसे गोपियों ने उलाहना दियो वह समय भी यशोदा जी ने अपने लालन को पक्ष लियो, वही प्रकार से वैष्णवन को भी समाज या कोई भी कितनी निंदा करे कछु भी बोले पर अपन को अपनी सेवा से दूर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखो, अपने स्वधर्म को दोष नहीं देखने। अरे ये बहुत कहेगो बाकी सुने सबकी सुनवे जाएंगे तो बड़ी तकलीफ पड़ेगी, यहां से सुन के वहां निकाल देना, लेकिन अपनी सेवा नहीं छोड़नी। तो लौकिक वाक्य परिनिष्ठता ऐसी इन गोपियों को निरोध सिद्ध करावे के लिए ठाकुर जी उनके घर में माखन चोरी कर रहे हैं, और दूसरी प्राकृत स्वभाव वाली जो गोपी जो लौकिक संसार में फंसी हुई है ऐसी गोपियों के लिए उनके माखन चोरी के करवे के लिए आप पधारे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और तो और ये प्रियजनों गोपियां जो आके उलाना दे रही हैं यशोदा जी को, वास्तव में देखो जाए तो गोपियां जो मंथन कर रही हैं मंथन वो सब ठाकुर जी के लिए ही है, लेकिन ये उलाना के माध्यम से गोपियां ने प्रेम करवे की रीत सिखाई। आचार्य चरण समझा रहे हैं गुप्तो ही रसह रसत्वम आप्यते प्रकटस्त्व रसाभास एव, प्रेम का रस ढका हुआ ही रसप्रद होता है, क्योंकि वह यदि प्रकट हो जाए तो वो प्रदूषित हो जाता है। जिस प्रकार से हम रस को ढाक कर रखते हैं दूषित न हो जाए, उस प्रकार से भाव प्रेम को भी जो भी सानुभाव है या प्रेम आपके हृदय में जो भाव आता हो उसको गुप्त रखना चाहिए, उसका ढंढेरा नहीं पीटना चाहिए, आज मुझे ऐसा कृपा हुई, आज मुझे ये किया वो किया। कभी भी जो भी आपको रस की अनुभूति होती है वो अपने हृदय में रखो। यानी ये गोपियों क्या करती हैं, ऊपर से क्रोध का आडंबर करके कि उनको जो ठाकुर जी के लिए जो प्रेम है वह प्रेम में कोई की नजर न लग जाए, इसलिए ऊपर क्रोध का आडंबर करती है। और ये जो ढंडेरा पीटनो ये सब भी एक प्रकार से प्रभु की रक्षा करवे के लिए। आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं गोपी शब्द की व्याख्या करते हुए कि गुपु रक्षण धातु से भी गोपी शब्द बनो है, अर्थात जो रक्षा करे वो गोपी। तो गोपियां रक्षा कर रही हैं उलाना के माध्यम से ठाकुर जी की, कैसे आचार्य चरण समझा रहे हैं कि देखो जब माया ने कंस को कही कि तो को मारे वाले को जन्म कहीं हो चुका है, तो वाने का कि कंस ने सबसे पहले पूतना को भेजी, और पूतना हजारों बालकों को विष पिलाती पिलाती जब गोकुल में आई और गोकुल में प्रभु के माध्यम से जब वाको उद्धार भयो तो वाको कंस को पता चल गई कि वाको काल 84 कोस में और कहीं नहीं गोकुल में ही है। पहले नहीं पता थी कि वाको काल कहां पे है, लेकिन जब पूतना मरी तो वाको पता चल गई कि मेरो काल ये और कहीं नहीं गोकुल में है। अब गोकुल में कौन के यहां पे कौन सो बालक है अभी ये जाने नहीं, तो ये गोपियों ने क्या किया, कंस की दृष्टि
नंद यशोदा के बालक पे से हट जाए, या लिए चोर 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 ऐसो हल्ला मचा दियो मथुरा तक पहुंच गई ये बात। और कंस ने सोची कि ये नंद यशोदा को बालक पर, ये तो चोर उच्चक्का है, और एक चोर उच्चक्का आके मुकु थोड़ी मारेगो, मुकु मारे वालों तो बड़ो पराक्रमी कोई तेजस्वी ऐसो होगो, एक साधारण सामान्य चोर उच्चक्का मुकु आके थोड़ी मारेगो। तो ठाकुर जी की लालन पे से दृष्टि कंस की हट गई, ये गोपियों ने उल्हाना दी वाके माध्यम से, तो जो रक्षा करे वो गोपी। तो ये उल्हाना के पीछे भी क्या रहस्य है, बाकी ये मंथन करनो माखन सामग्री सब ठाकुर जी के लिए है। जब सामग्री तैयार हो जाए ना, फिर ये यश ठाकुर जी को विनती करें, गैया को विनती करें, और गैया का करें, गैया को कहें ये गोपी के प्रभु को जाके विनती करो कि सामग्री तैयार हो गई है, और गैया को खोल दे, और फिर वो गैया घूमती घूमती सीधी नंदालय में आवे। ठाकुर जी देखें कि अब ये गैया आ गई, घंटी बजा रही है, यानी प्रभु समझ गए कि सामग्री तैयार है। और अब क्या करें, यशोदा मैया को कहें कि मैया मैंने थोड़ी देर में आऊँ, ये गैया कोई के खुल के आ गई है, पहुँचा दो। और फिर वो गाय के पीछे पीछे आप जाएं, और जाके गाय थी वहाँ पे वो प्रभु पधारें, और जो सामग्री सिद्ध करी वो आप अंगीकार करें। आज भी पुष्टि मार्ग के मंदिर में जहाँ ठाकुर जी को भोग आवे, वाके पहले घंटा नाद हो, वाके पीछे यही भाव है। तो अपने भाव को प्रीत ही में राखिए, प्रकट किए रस जाए, यानी ये उल्हाना के माध्यम से ये दो रहस्य सिद्धांत हमारे आचार्य चरण अपन को समझा रहे हैं। वहीं सखा इनके साथ खेलते खेलते आप ब्रह्मांड घाट में पधारे, और ब्रह्मांड घाट में पधारे तो वहाँ पे कहा भयो सबके सामने आपने माटी खाई। अब माटी आरोगी, अब जैसे ही माटी आरोगी, मन सुखाने लाला देख लियो, ए लाला ये का कियो, तो कछु नहीं, अरे कछु नहीं का अभी मैंने देखियो तूने माटी मोड़े में डाली ढेली, नहीं नहीं मैंने तो माटी नहीं खाई, ये झूठ बोल रहा है, अभी मैया आते जाके तेरी चुगली करूं, ठीक है तू तो जा। अब वो गयो लाला की चुगली करवे के लिए, वो तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम गटक गटक गटकाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। माटी
यशोदा ले समझावे साटी, यशोदा ले समझावे साटी, याकुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, याकुनेक दया नहीं आई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। याकु देखे लोक लुगाई, यशोदा सुन माई, याकु देखे लोक लुगाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ये तो पूर्ण ब्रह्म का भाई, यशोदा सुन माई, ये तो पूर्ण ब्रह्म का भाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यानी मुक्ति की मुक्ति कराई, यशोदा सुन माई, यानी
यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। ओ तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब मुखारविंद आपने खोलो तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन यशोदा जी को हुए, जिससे श्री यशोदा जी की शरणागति सिद्ध हुई। दो श्लोकों में यशोदा जी ने अधो यथावन वितर्क गोचरम चेतो मनो कर्म वचो विरज्जसा यदाश्रयम न ये न यतः प्रतीयते सुदीर्घ भाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। मैं आपके चरणारविंद में नमस्कार करती हूँ, जो आप ये अलौकिक स्वरूप मुझे दिखा रहे हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आपके कृपा के बिना जिसकी कल्पना करना भी अशक्य है, जो विश्वरूप भगवान मन कर्म वाणी से पूरी तरह तर्क से नहीं जाने जा सकते, उनकी मैं शरण में हूँ। देखिए, ये यशोदा जी ने शरणागति सिद्ध हुई, क्योंकि भक्ति मार्ग की ये रीत है, जब तक पुष्टि मार्ग ये प्रकार से जीव की श्री ठाकुर जी के साथ शरणागति नहीं होती है, ठाकुर जी उसके प्रेम के बंधन को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि यशोदा जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मैं लाला को बांधू, यशोदा जी को लालन को बांधने की इच्छा हुई, मन में एक भाव प्रकट हुआ कि जितना प्रेम मैं लाला से करती हूं क्या वो भी मुझसे करता है। पता कैसे चले कि वाको भी मोह से इतना ही प्रेम है। तो मन से अपने थोड़ा सा कम करूं, मन से अपने ही विचार से एक भाव प्रकट भयो कि जो वो मेरे प्रेम के बंधन को स्वीकार है गो, तो मैं मान लूं कि वाको भी मोह से इतना ही प्रेम है। अब ठाकुर जी उनके प्रभु तो वैसे तो ये बंधन ये तो रजोगुण का स्वरूप है, और प्रभु तो रजोगुण आदि से परे हैं, और यशोदा जी तो स्थूल रूप से उनको बांधना चाहती हैं, तो समस्या है। ठाकुर जी कब बंधते हैं जीव के साथ कि जब जीव की शरणागति हो, और यशोदा जी की शरणागति है नहीं, क्योंकि उनके अंदर तो वात्सल्य भाव है। देखिए, हम जो ब्रह्म संबंध लेते हैं पुष्टि परंपरा में, ये जो शरणागति का जो प्रकार है, इसका रहस्य, इसका कारण क्या है? ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई तुम ब्रह्म संबंध नहीं लो तो तुम्हारे पे ठाकुर जी कृपा ही नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। भगवान तो कृपा करने में स्वतंत्र हैं, किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जैसे कृपा करने में स्वतंत्र हैं, ऐसे भाग जाने में भी स्वतंत्र हैं। पर जब जीव ठाकुर जी की शरणागति प्राप्त करता है, शरणागत हो जाता है, आत्मनिवेदन कर लेता है, तो फिर ठाकुर जी उसके प्रेम के बंधन से बंध जाते हैं, फिर उसको छोड़ के नहीं भागते हैं, बंध जाते हैं। कि वो जीव कैसा भी हो, श्री महाप्रभु जी के वचन से बंधे हैं ठाकुर जी कि वाकई दोष के सामने मैं नहीं देखूंगा। यानी जब हम ब्रह्म संबंध लेते हैं, हे प्रभु मेरा घर परिवार शरीर स्त्री सब कुछ आपका है, फिर जीव कैसा भी हो, न करिष्यति लौकिकीं च गतिम, ठाकुर जी उस जीव पर हमेशा कृपा बना के रखते हैं जिसका पुष्टि मार्गीय प्रकार से शरणागति हो गई है। ठाकुर जी उसके प्रेम के बंधन को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम ब्रह्म संबंध लेते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को ब्रह्म संबंध लेना ही चाहिए। और देखिए, जिस प्रकार से यहाँ दो श्लोकों में यशोदा जी ने शरणागति स्वीकार करी, आप देखिए हमारे ठाकुर जी के सन्मुख भी जब ब्रह्म संबंध दिया जाता है तो भाव कुछ ऐसा ही है। अहम ममासो पतिरेश मे सुतो व्रजेश्वरस्याखिल वित्तपासति गोप्यश्च गोपा सह गोदनाश्च यन्माय यत्थे कुमति समे गति। अहम ममासो, यशोदा जी कहती हैं हाथ जोड़कर जब ब्रह्मांड के दर्शन हुए, ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, पति पुत्र गोप गोपियां गोधन ये सब मेरे हैं। इस प्रकार की जिसकी माया से ऐसी कुबुद्धि हुई है, ऐसी मेरी गति, मैं आपकी शरण में हूँ। ये भाव यशोदा जी ने, और फिर आगे जाके दामोदर लीला आती है, ठाकुर जी उनके प्रेम के बंधन को, जो उनका मनोरथ था
वो स्वीकार किया, इसलिए आपने ये रज के अंदर रज को मुंह में पधराकर रजोगुण को आपने स्वीकार किया है। और अंदर रहे हुए जो आपके वो जो बालक हैं उनको आपने वो रज का स्पर्श कराया है। भगवान तो अभोक्ता है, जीवकृत जो बालक हैं, कौन से बालक? आचार्य चरण सुबोधनी में आज्ञा कर रहे हैं कि जब पूतना हजारों बालकों को विष पिलाकर दूध पिलाया जब उसने, तो वो जो बालक जो थे उनका अंश पूतना के जठर में था। भगवान ने जब पूतना के स्तनपान किए तब उन हजारों बालकों का जो अंश पूतना के जठर में था भगवान ने अपने जठर में समाहित किया। अब प्रभु ने सोचा कि इन भक्तों का उद्धार कैसे करें, तो उन भक्तों का उद्धार करने के लिए कि ब्रज की तो रज ही सर्वोत्तम है, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। धन्य है ब्रज रज प्रियजनों, धन्य है ब्रज भूमि, इसलिए आज भी बारंबार हम ब्रज में जाने का आग्रह रखते हैं, ब्रज रज में लौटने की भावना रखते हैं कि वह ब्रज भक्तों की, वह श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की जो रज है, चरणारविंद भक्ति स्वरूपा है, और ब्रज में जब जाएं ब्रज रज शरीर में लड़ गए, हमारे आचरण विचार भाव सब पवित्र हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, कोमल हो जाएं, इसलिए हम ब्रज में जाते हैं समय समय पर, अलग अलग जो स्थान है लीला स्थली उनके दर्शन करते हैं। कई सुंदर ये जो ठाकुर जी की लीला स्थली ऐसे स्थान, जब हम आचार्य वंशजों के साथ में जाते हैं तब उन लीला स्थलियों के दर्शन हम कर पाते हैं। इसलिए तो समय समय पर ये इस प्रकार की ब्रज यात्राओं का आयोजन श्री वल्लभ कुल परिवार के द्वारा होता है कि वैष्णव को वो ब्रज के अलौकिक दर्शन मिलें, वह स्थान पर पहुंच सकें। बाकी प्रायः ज्यादातर जीव जाते हैं यहाँ गिरिराज जी में दंडोत करिया है, मथुरा में होया या बरसाना होया या वृंदावन में होके आ गए, लेकिन ब्रज में तो कितने स्थान है अलौकिक। पर जब इस प्रकार के संग में हम जुड़ते हैं तो उसका एक और विशेष आनंद होता है। प्रियजनों में आपको स्मरण करा दूं, क्योंकि आप बार बार भूल जाते हैं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास आ रहा है, जुलाई में वैष्णवों का मास है, अधिक श्रावण है, और वैसे भी श्रावण नक्षत्र के जो देवता है वो विष्णु है, यानी वो मास भी वैष्णव मास कहा जाता है। और ऐसे सुंदर मास में पूज्य श्री दादाजी की सर्वाध्यक्षता में ये श्री पुरुषोत्तम अपने ब्रज रसानंद महोत्सव, जो ब्रज यात्रा 9 दिवस, जहाँ कथा सत्संग आदि के अनेक सुंदर कार्यक्रम, अवश्य प्रियजनों लाभ लीजो, पत्रिका आप प्राप्त कर लीजो। ये 9 दिन की यात्रा ये छोड़वे जैसी नहीं है। मैं तो चाहूँगा मुरैना क्षेत्र, यहाँ से अधिक वैष्णव अधिक से अधिक अपने ब्रज यात्रा में पहुँचें, आनंद करें साथ में मिलकर। और जितने विज्ञान के माध्यम से हमारी पुष्टि मंथन जो चैनल है YouTube वाके माध्यम से भी जो सुन रहे हैं, उन वैष्णवन को भी मैं आवाहन कर रही हूँ कि ये सुंदर यात्रा ये आपके लिए है, आनंद के लिए है, तो अवश्य यात्रा में जुड़ें। ब्रज भूमि की जय, श्री गिरिराज धरन की जय। धन्य है ब्रज भूमि, ब्रज रज मुंह में पधराई, उन बालकों का आपने उद्धार किया। प्रक्षित जी के हृदय में जिज्ञासा हुई कि ये नंद यशोदा के तो ऐसे कौन से भाग्य होंगे जिनसे श्री ठाकुर जी की इतनी विशेष कृपा इन पर हो रही है। सुखदेव जी ने नंदराय जी उनके पूर्व जन्म की कथा का श्रवण कराया, द्रोण और धरा ये पूर्व जन्म में थे, और फिर भगवत इच्छा शक्ति से ही इनके यहाँ पर प्रभु का प्रागट्य हुआ, यानी यहाँ पे भाग्य लीला का वर्णन है। तत्पश्चात आगे ध्यान लीला का, ज्ञान लीला का वर्णन किया गया है। एकदा गृहदासेषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मन्तरन युक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि, यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च ददिर्निर्मथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। बड़ी सुंदर सुंदर ये ब्रज की लीलाओं का श्रवण कराया है। तो हमारे पास तो इतना समय है नहीं कि इन एक एक लीलाओं का अपन चिंतन कर सकें, आगे कभी भविष्य में ऐसी कुछ योजना बनेगी तो केवल दशम स्कंद पे ही 7 दिन कथा का आयोजन करेंगे,
इसमें भी सब विशेष ब्रज लीला, तो और विशेष ब्रज का आनंद विस्तार से उन लीलाओं को हम दर्शन कर पाए। ठाकुर जी श्री गोपाल लाल जी यहाँ पे पधारे हैं, प्रतिवर्ष आपका पाटोत्सव आएगा और आग्रह भावना तो हम सब आचार्य परिवार की ये कि प्रतिवर्ष पाटोत्सव के समय में यहाँ पे मंदिर के यहीं पे प्रांगण में 7 दिन साप्ताहिक यज्ञ अवश्य होना ही चाहिए प्रतिवर्ष। ये हम परिवार की एक मनोभावना है कि ठाकुर जी के पाटोत्सव निमित्त प्रभु के गुणानुवाद गान करें और प्रभु की विशेष कृपा ये मनोरथी परिवार के ऊपर कि ये पाटोत्सव के निमित्त इनके हृदय में ये भावना जागृत हुई कि हम ये कथा के मनोरथी बने, क्योंकि परीक्षित थे तो भागवत मिला ना, तो एक मुख्य श्रोता एक मुख्य निमित्त कारण तो अवश्य चाहिए। मैं तो ये भावना श्री गोपाल लाल जी के चरणों में विनती करूँ कि जा प्रकार से या बरस ये मधु जी ये संतोष आदि ये जो परिवार है योगेश ने सब इनके हृदय में जैसी भावना जागृत हुई अगले वर्ष पाटोत्सव के कार्यक्रम के निमित्त भी कोई ना कोई आप पांडाल में विराज रहे हैं आप वैष्णव के हृदय में प्रभु मनोरथ जागृत करें और ऐसे सब कथा के मनोरथ ही आप तैयार हों और 7 दिन हम इस प्रकार का आनंद ले सकें, क्योंकि एक निमित्त तो कोई बनना चाहिए। मैं तो ये पाटोत्सव निमित्त श्री ठाकुर जी के चरणारिंद में यही विनती कि ये पाटोत्सव को जिस प्रकार से निमित्त बने अगले वर्ष भी आप में से कोई भी वैष्णव, क्योंकि सबके हृदय में भावना रहती है कि कुछ इस प्रकार के अलौकिक कार्य के हम निमित्त बने, तो इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है प्रियजनों। तो जरूर से आप किसी के भी मन में ये भावना जागृत होती हो कि इस प्रकार के ज्ञान यज्ञ में हमें निमित्त बनना चाहिए और हरेक के मन में मनोरथ होता ही है, तो ये पाटोत्सव के निमित्त ही हो जाए तो क्या उसमें उससे अच्छा क्या है। कई जगह तो हमने देखी होड़ लगती है, फिर वाको समय देना पड़े, हाँ वाके बाद के वर्ष में तू बनिए, वाके बाद 13 नंबर है। बस ऐसी तत्परता आप सबके अंदर आए प्रियजनों, ऐसे के ऐसे ही आनंद अपन लेते रहें। तो ये दशम स्कंद तद बाल चरितानी यानी यानी है गीतानी तद बाल चरितानी च, इतने सुंदर यहाँ पे श्री ठाकुर जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। दधि मंथन करती जा रही है, ठाकुर जी के बाल चरित्र का गान कर रही है और उस समय जब ठाकुर जी में चित उनका प्रवीण हो गया है, क्योंकि कहा ना चेतस तत्प्रवणम सेवा तत् सिद्धि तन्वित्त जा, जब तक चित्त भगवत सेवा में नहीं लगा वो सेवा साधन रूप है, लेकिन जब चित्त भी ठाकुर जी में लग जाता है तो फल रूपा बन जाती है। और जब चित्त यशोदा जी का ठाकुर जी की बाल चरित्र में प्रवीण हो गया, उस समय लालन पधारे आकर यशोदा की चोटी खींची और दाऊ दादा आए आकर नासिका में जो नथ धराई हुई है यशोदा जी ने वह नथ को मोती पकड़ के खींचवे लग गए, आगे नथ को मोती खींचे पीछे लालन चोटी खींचे, यहां से यूं आगे यहां से यूं आगे, अरे दूध दो रोटी दो माखन रोटी दो भूख लगी मैया भूख लगी, अरे एक चोटी तो छोड़ तो दू कछू। बड़ा सुंदर हमारे भगवदीय इस लीला का गान करते हैं, बहज गयो नासा को मोती श्याम सुंदर गही दृढ़ कर चोटी, मानो मन मानो हंस मोर भक्ष लीनो उपमा कहा बरनो मती छोटी। इतनी सुंदर उपमा दी लेकिन वाके बाद भी कह रहे कि उपमा कहा दे मती छोटी, मानो मोर हंस भक्ष लीनो। श्याम वर्ण श्री ठाकुर जी जिनके लिए मोर की उपमा दी, गौरवर्ण दाऊ दादा जिनके लिए हंस की उपमा दी, और ये क्या कर रहे हैं कि आज ये मोर और हंस दोनों भूखे यशोदा जी के आगे हैं और दोनों को अपनो अपनो भोजन मिल गयो। क्या भोजन मिल गयो? तो के मोर को भोजन का है तो के सर्प, तो इतनी सुंदर लंबी चोटी है यशोदा जी की सर्प जैसी, तो कन्हैया ने चोटी पकड़ ली है, और हंस को भोजन का है तो के मोती, दाऊ दादा ने नथ को मोती पकड़ लियो, दोनों को अपनो अपनो भोजन मिल गयो। और सूरदास जी कह रहे हैं उपमा कहा बरनो मती छोटी, कितनी सुंदर उपमा आप दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मती ठाकुर जी की लीला को वर्णन ये जीवा नहीं कर सके। इतनी सुंदर प्रभु की ये सब दशम स्कंद की ब्रज लीलाएं, दधि जब ये माखन रोटी ने जब ठाकुर जी को आरोगावे लगे वही समय अंदर अंगीठी पे रखो भयो दूध को स्मरण हो आयो, इनको गोदी से उतारे अंदर गए, यहां इनको क्रोध आयो कि सेवा छोड़ के क्यों भागे, सेवा से आप दूर जाओ ना तो ठाकुर जी को अच्छो नहीं लगे, जो निकट रहे उनसे उनकी प्रीति बढ़े,
जितने आप श्री गोपाल लाल जी के निकट रहोगे तभी तो प्रीति बढ़ेगी, लेकिन पांच पांच दिन में, छः छः दिन में, के तीन तीन दिन में एक एक बार आओगे तो ठीक है, कोई औपचारिक रूप से ये कोई आ गए हो है, पहचान कब बढ़े? जब रोज मिले, रोज मिले। एक बार एक कोई सूर्य तो भीड़ भाड़ में आ गए हो दर्शन करवे, अरे जावे दो दर्शन करवे, जावे दो। कोई ने कही हंसते हुए, भैया तुम्हारे तो सूर हो, तुम तो कछु दिखाई देवे नहीं तो का दर्शन करोगे? अरे भले मैं नहीं देख पाऊं, बाकी दृष्टि तो मेरे पे पड़ेगी ना, अंधो मैं हूं, बाकी दृष्टि भी तो, वो दृष्टि तो मेरे पे रहेगी, ये कम है क्या? यानी जितने अपन सन्मुख रहे उनकी दृष्टि अपने पे बनी हुई रहे, उनसे निकटता अपनी ओर संपादन हो, यानी जितनों हो सके प्रियजनों श्री पुरुषोत्तम धाम बैठक मंदिर में ये सुंदर सात बरस को सांवरो, ये श्री गोपाल लाल आपके मनोरथ पूर्ण करवे के लिए यहाँ पधारे हैं। उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रही हो, ये अपनो परम धर्म है। कहाँ लौकिक के संसार में पड़े भय थे, लेकिन ये इतनो सुंदर नंदालय श्री ठाकुर जी विराज है जहाँ पे ब्रज भक्तन के भाव से सेवा हो रही है। आज गोवर्धन पूजा भई, ठाकुर जी अभी अन्नकूट आरोग रहे हैं, फिर अन्नकूट के दर्शन आज करवे के हैं, प्रथम अन्नकूट। कितनों ये लाभ अपन को मिल रहे हैं प्रियजनों, यानी बस मैं तो यही कहूँगा कि आप उनको अकेलो ना छोड़ें, उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहें, ये अपने सर्वस्व हैं, तन से मन से धन से कैसे भी जय प्रकार से आप कर सको, लेकिन श्री गोपाल लाल जी की सन्मुखता बना के रखियो। यानी यानी हगीतानी तद बाल चरितानी च दधिर निर्मथने काले स्मरंती गायंती च। तो जब सेवा में जब तल्लीनता तत्परता आ जाए ना, फिर आप अपने घर पे भी जाओ ना, तब भी ठाकुर जी को चिंतन हो तो होए, स्मरण होवे, और जब ग्रह कार्य करते भी स्मरण होवे लग जाए तो फिर वो निज धारक बन के आपके घर में भी आपको वो लीला को अनुभव जतावे। जहां सेवा से दूर गए लालन को अच्छो नहीं लगे, अब उनने क्या किया, मटकी फोड़ दी। यशोदा जी खींच गई, अरे तूने लाला ये आज कहा कर दियो, मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी को तूने फोड़ दियो, अब तो तुमको दंड दो, अभी बांधो। रस्सी गोपियन ने लाके दी, कन्हैया आगे आगे भागे, ये पीछे पीछे, ये आगे आगे, हाथ में आवे नहीं, प्रभु को कौन पकड़ सके। देखियो कि अब ये थोड़ी श्रमित हो गई, तो अपने आप उनके हाथ में आ गए, फिर बांधवे को प्रयास करे तो वापिस दो उंगल कम, दूसरी रस्सी लाए तो दो उंगल कम, जितने ही करो ठाकुर जी के आगे कम ही पड़े। हाँ, प्रभु साधनों से प्रसन्न नहीं होते हैं। जब देखो कि यशोदा जी निस्साधन भई, थक गई, परिश्रमित भई, तब ये लालन ने अपने आप को बंधवा लिया। ये है प्रभु की दामोदर लीला। दामोदर दामोदरो भक्त वश्य, और प्रभु ये बता रहे हैं कि देखो प्रेम के वश में तो ये उखल से बंध गयो, जड़ वस्तु से मैं बंध गयो, तो एक चैतन्यवंत हृदय से बंधवे में मुको कितनो समय लगेगो, बस आवश्यकता है तो प्रेम की है। जड़ से जो बंध जाए तो हृदय चेतन से बंध दे कितनो समय लगे। ठाकुर जी को बांध दियो, और अभी ये अन्य कार्य में गए, प्रभु बाहर पधारे भक्त के वाणी को सत्य करवे के लिए। यक्षराज कुबेर के पुत्र जिनको वृक्ष की योनि मिली थी, नल कुबेर मणिग्रीव जो नंदालय के आंगन में थे, प्रभु वहाँ पे पधारे, दो पेड़ के बीच में से निकले, वह पेड़ को खींचो, धड़ाम करके नीचे गिरो, वहाँ में से नल कुबेर मणिग्रीव अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो गए। हाथ जोड़ के ठाकुर जी की स्तुति करी, नमः परम कल्याण, नमस्ते विश्व मंगल, वासुदेवाय शांताय यदुनाम पतये नमः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे
दृष्टि सतां दर्शनिस्तु भक्तनूनां। हमारी वाणी सदा आपके गुणानुवाद करते रहें प्रभु, हमारे कर्ण आपकी कथाओं का श्रवण करें, हाथ सेवा करते रहें, मन आपके चरणों में लगा हुआ रहे और हमारा मस्तक आपके और आपके भक्तों के आगे हमेशा झुके हुए रहें, यही प्रभु हम आपसे विनती करते हैं। वृक्ष गिरो आवाज़ आई, नंदराय जी पहुँचे, लालन को मुक्त कियो, बंधन से बांधो हुए थो, तो देखियो तो कलाइन में और उधर में लाल लाल निशान पड़ गए। और जब यशोदा जी आई देखियो तो बड़ो उनको दुख भयो, और तो और रस्सी को फेंक दी, लालन को कहवे लगे, अरे बेटा आज के बाद मैं तो को कभी नहीं बांधूंगी, देख मैं रस्सी को मैंने यमुना जल में फेंक दियो, बहुत ताप भयो। और यशोदा जी के मन में हमेशा एक ये ही हृदय में ताप रहो कि मैंने लाला को बांध दियो, वाकई वजह से ही वो ब्रज में वापस लौट के नहीं आया। जब वो ब्रज आगे की जो लीला बताइए, मथुरा से ब्रज से जब मथुरा पधारें, द्वारका पधारे, तो ये विरह विप्रयोग हमेशा यशोदा जी के हृदय में रहे। आगे श्री सुखदेव जी एक फल बेचवे वाली आई, वाकई मनोरथ पूर्ण किए, उस लीला का भाव प्रकट किया। तदपश्चात आगे श्री ठाकुर जी की जो वृंदावन लीला है, गोकुल छोड़ के वृंदावन पधारे, क्योंकि प्रीति लीलोर पयोगीशु, ठाकुर जी की लीला उपयोगी सभी सामग्री वृंदावन में उपलब्ध हैं, तो या लिए गोकुल छोड़ के भगवद सुखार्थ ये सब ब्रजवासी वृंदावन में आ पहुँचे। वृंदावन में यमुना जी के तट पे आप खेलें ग्वाल बालों के साथ, बछड़ाइन के साथ, वहीं पे एक वत्सासुर आयो, वह वत्सासुर को आपने उद्धार किया। वत्सासुर देखो, वत्स तो भगवान को प्रिय है, तो वत्स को भगवान ने क्यों मारा, तो ये लीला से आचार्य चरण बता रहे हैं, ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भक्तों का संग दोष रहित बुद्धि से करना चाहिए, स्वार्थ भाव से नहीं करना चाहिए। यदि स्वार्थ बुद्धि से जो भक्तों को संग करोगे तो वत्सासुर की तरह तुम्हारो भी नाश होगा। और जब भगवान अपने भक्तों को, अपने भक्तों के अनिष्टताओं को जब दूर करते हैं, तब लोक और वेद मर्यादाओं की भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। तो अपने भक्तन को हित करवे के लिए वत्सासुर को उद्धार कियो, वहीं पे यमुना जी के तट पर एक बकासुर देखियो, वह बकासुर का उद्धार किया जो दंभ का प्रतीक है। दंभ भी कई प्रकार के होते हैं, जो दंभ का प्रतीक बकासुर है। आगे अघासुर का उद्धार किया जो पाप का प्रतीक है, अजगर, बहुत बड़ा विशाल एक अघ, मुंह खोलकर बैठ गया, मानो एकदम बहुत बड़ी गुफा है। भगवान सब सखा वाके अंदर धीरे धीरे स्वरूप आपने बढ़ायो, वाको शरीर फटवे लगे, यानी अघासुर का उद्धार किया कि कैसो भी पापी जीव जब भगवत चिंतन स्मरण करें तो ऐसे पापियों का भी आप उद्धार करते हैं। और फिर वहीं पे श्याम ढाक पर यमुना जी के तट पर आप नित्य प्रतिदिन छाक आरोग्य के लिए पधारें, सखाएं के साथ खेलें, सुंदर छाक आरोग्य, सख्य भाव है। लेकिन ये ठाकुर जी की लीला ब्रह्मा जी नहीं समझ सके, ब्रह्मा जी को मोह भयो कि ग्वाल बालों का है जूठा खाने वाला ये ब्रह्म, रहस्य न जान सके, ग्वाल बालों का वत्सों का हरण करके ले गए। भगवान ने अपने श्रीअंग में से सृष्टि प्रकट करी, प्रभु ने मन में विचार किया कि जो मैं खुद ब्रह्म लोक में जाके उनको लेके आऊंगो तो ब्रह्मा जी को केवल मेरे स्वरूप को ज्ञान होगो, परंतु वो ब्रजवासी के स्वरूप को, ब्रज के स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। और जब ठाकुर जी की कृपा होए तब जीव ब्रजवासी ब्रज के स्वरूप को जान पाए, वैष्णवन के स्वरूप को जान पाए। तो या लिए ठाकुर जी ने अपने श्रीअंग में से समस्त सृष्टि प्रकट करी जो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे। साल भर निकल गयो, जब देखियो आकर ब्रह्मा जी ने तो ब्रज में तो और आनंद बढ़ गयो। गोपियन को भी बड़ो आश्चर्य भयो कि रोज तो नंदालय में भीड़ दर्शन करवे के लिए होती, लेकिन अब देखो तो जितनो प्रेम उनको अपने पुत्र में आवे लग गए, जैसे पहले तो अपने पुत्र से भी विशेष कृष्ण में प्रेम आता था गोपियन को, लेकिन अब का देख रहे हैं जो प्रेम कृष्ण में आता तो वही प्रेम उनको अपने बालक में आवे लग गए। एक दिन तो बछड़ा इनको चरा रहे थे यहां पे नीचे गिरिराज जी पे, कृष्ण और बलराम और वास समय जो बछड़ा और गैया इनको ऊपर गिरिराज जी के ऊपर बड़े बड़े ग्वाल गैया इनको चरा रहे थे। तो अब वो गैया इन ने कहा नीचे अपने बछड़ा को देख लियो, तो गैया ने बछड़ा को देखियो तो वो बछड़ा के वात्सल्य में आकर गैया ने ऊपर से ऐसी दौड़ लगाई
वर्णन आता है कि मानो दो पैरों से ही गाय भाग रही है और आकर भागते भय सीधे ऐसे कैसे मार्ग गिरा जी पे से होती भाई बछड़ा के पास आ गई वहां कुछ चाटे भी लग गई। ऐसा दृश्य देखकर बलराम जी को बड़ो आश्चर्य भयो कि ये कैसी माया। और तो और गाय इनको पकड़वे के लिए जो ग्वाल बाल ऊपर से आए ग्वाल गाय को खींचवे के लिए, लेकिन जब अपने पुत्र को देखे तो वो अपने पुत्र को प्रेम करवे लग गए। ये कुछ गड़बड़ है, ये कोई माया है। बलराम जी के मन में ये आई कि ये कोई आसुरी माया है, कोई देवी माया है। जब नेत्र बंद करके ज्ञान दृष्टि से देखियो तो हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दिए। वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्र पत्र चतुर्भुज, ब्रज के तो वृक्ष वृक्ष पत्र पत्रों में श्री ठाकुर जी विराजमान है। ऐसो ब्रज को और आनंद बढ़ गयो। ब्रह्मा जी को अपनी गलती समझ में आई, ठाकुर जी की शरण में आए, हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करी। नौ मेड्यते ब्रुवपुषे तड़िरंबराय गुंजावतन सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय ज्ञान प्रयास मुदुपासनमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। बड़ी सुंदर ये ब्रह्मा जी ने स्तुति करी। हे प्रभु, मेरे जैसो बड़ो बड़ो ज्ञानी अपने आप को मानवे वाले वो भी आपके स्वरूप को जान नहीं पाते, मैं तो आपके सामने हूं ही क्या, मैं तो अत्यंत मूढ़ हूं, आपके स्वरूप को जान नहीं सकते। सच्चा इस जगत में धन्य तो वो है कि जिसके आप सच्चे मित्र हैं, आपके साथ जिसने अपना संबंध जोड़ लिया है उससे महद भाग्य इस जगत में और किसी का नहीं है। अहो भाग्यों अहो भाग्यों नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्रों परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ठाकुर जी की कृपा से ब्रह्मा जी को केवल प्रभु के ही स्वरूप नहीं अपितु ब्रज भक्तों के स्वरूप का भी ज्ञान हो गया, इसलिए कहने लगे अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यन मित्र परमानंदम। धन्य है ये ब्रज नंद गोप के जो आपके ये परम मित्र है, आपके साथ इन्होंने संबंध जोड़ लिया है। बस प्रभु मैं तो यही चाहूं, विनती करते भय आपने मुझ पर कृपा करी, मुको तो इन भक्तन की चरण धूल मुको मिल जाए, मुझे तो वृंदावन की रज मुझे बना दो, बस मैं तो ये चाहता हूं। करहु वृंदावन रेणु माधो जू मोहे करहु वृंदावन रेणु माधो जू मोहे करहु वृंदावन रेणु जिन चरण Oh.
इसलिए हमारे भगवतियों ने बारंबार अहो विधना तोपे अचरा पसार मांगो जन्म जन्म दीजो मोहे आहे ब्रज बसवो तो है अचरा पसार मांगो हमेशा भगवतियों ने ब्रजवास मांगा। धन्य है ब्रज भूमि प्रियजनों, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु मुझे तो ब्रज की रज बना दीजिए। ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से उनको वत्सों को मुक्त किया। भगवान ने अपनी जो सृष्टि प्रकट की थी उसको अपने अंदर समावित की और तत्पश्चात प्रियजनों यहाँ पे आगे अब प्रमेय प्रकरण, जिसके अंतर्गत प्रमेय मतलब प्रेम और प्रेम के अवरोध में पांच जो वस्तुएं हैं जिसकी निवृत्ति की लीला यहाँ पे बताई गई है। प्रेम जागृत हो जाना अलग बात है, लेकिन जागृत होने के बाद वो प्रेम निरंतर बढ़ता रहे ये दूसरी बात है, लेकिन प्रेम आगे बढ़ने में पंच पर्व दोष बताए गए हैं और वह पंच पर्व दोष की निवृत्ति ये प्रमेय प्रकरण में है, जिसमें देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, प्राणाध्यास और स्वरूप विस्मृति
जिसके अंतर्गत धेनुकासुर जब ठाकुर जी का उच्चारण करने के लिए वन में पधारने की आपकी इच्छा हुई वन लीला करवे के लिए, तो फिर यशोदा जी के पास आकर गाय चरावन जे हो मैया, गाय चरावन जे हो मैया, कहे बेटा तू क्यों गैया को चरावे जाएगा, अपने बहुत हैं दूसरे चरावे के लिए जाएंगे, तू वहां पे कहा करेगो। मैया मैं सखायन के साथ खेलूंगो आनंद करूंगो। श्री दामा दे आदि सखा सब और हलधर संग ले हो मैया, गाय चरावन जे हो। बेटा तू वहां पे जाएगो अकेले वन में भी तुको भूख लगेगी, तो मैया वाको भी सब ने सोच लियो है। दह्यो भात कांवरी भरी ले हो, भूख लगे तब खे हो। मैया तुमको दही भात दे दीजो, हमको भूख लगेगी तो सखायन के साथ मिलके खा लेंगे। बंसी वट शीतल की छैया, खेलन में सुख पे हो मैया, गाय चरावन जे हो। परमानंद दास संग खेलो, जाय यमुना में ने हो। मैया गाय चरावे जोंगो, तू मक महरी महरी नंद बाबा सो, बड़ो भयो ना डरे हो, गाय चरावन जइयो। नंदराय जी को बुलायो, प्रसन्न भय ब्राह्मणन को बुलायो। अष्टमी तिथि और सुंदर गोपाष्टमी के दिन श्री ठाकुर जी हाथ में लठ बैणू लेकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गाय चराए के लिए आप पीछे आप वन में पधारे। गायों के भी अत्र गाव महिषश्च निर्म, कई अलग अलग जग अलग अलग प्रकार की यहाँ पे गायों का वर्णन किया गया है। अजा गाव महिषश्च निर्वशंते वनाद वनम, अजा गाव महिषश्च, यानी ये सब गायों के अलग अलग भेद को यहाँ पे वर्णन है। और उस वृंदावन में गौचारण लीला में 10 प्रकार के रसों का अनुभव ग्वाल बालों को कराया आपने, उसका यहाँ पे निरूपण किया गया है। और तदपश्चात गौचारण करते समय वहीं पे ताड़वन में धेनुकासुर का उद्धार किया, और जब आप वापस ब्रज में आप पधारे, गायन को टेरते भय गायन को चराते भय, इतना सुंदर आपका स्वरूप। प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया, प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया, प्यारो मदन गोपाल, मदन गोपाल चरावे गैया संग दाऊ भैया, प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया, प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया, प्यारो मदन गोपाल चरावे। कारी पीरी धूमर धोरी किट कारी पे आवे दोरी, कारी पीरी धूमर छैया हलधर भैया नंद को छैया, प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया, प्यारो मदन गोपाल चरावे। बछरा बछिया ज
जब हुरमावे काना पलछिन में ही आवे बछरा बछिया जब हुरमावे काना पलछिन में ही आवे काड़े विन लोमना न पसावे गैया नंद को छैया प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया मदन गोपाल चरावे गैया संग दाऊ भैया प्यारो मदन गोपाल गोधन सुन बिगरी हूँ गैया सुधरे बदले चार गोधन सुन बिगरी हूँ गैया सुधरे बदले चार दूध दही घी माखन सो वो ही कर दे निहार स्वामी भव सो पार लगावे गैया कपिला गैया प्यारो मदन गोपाल चरावे गैया प्यारो मदन गोपाल मदन गोपाल चरावे गैया संग दाऊ भैया प्यारो मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल प्यारो मदन चरावे गैया प्यारो मदन गोपाल चरावे प्यारो मदन गौचारण लीला जिस लीला के माध्यम से 10 प्रकार के रसों की अनुभूति कराई और यही प्रमेय प्रकरण में कालिया नाग मर्दन दावानल पान भगवान ने किया प्रलंबासुर का आपने वध किया जो अंतःकरणाध्यास स्वरूप है एवं द्वितीय बार दावानल का पान किया जो स्वरूप विस्मृति प्रतीक है तो इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की वृंदावन की अलग लीलाओं का वर्णन किया गया है और वह लीला भी अलग अलग ऋतुओं में जो की गई उन लीलाओं का यहाँ पे प्रियजनों वर्णन है। तदपश्चात आगे वर्षा ऋतु का वर्णन करने में आया है। वर्षा ऋतु के बाद वर्षा ऋतु में किस प्रकार से श्री ठाकुर जी ने ब्रज में लीलाएं करी उन लीलाओं का यहाँ पे वर्णन है और वर्षा ऋतु के बाद आगे शरद ऋतु है और शरद ऋतु में वृंदावन लीला करते समय श्री ठाकुर जी के प्रमेय स्वरूप जो प्रमेय यानी जो प्रेम भगवत इच्छा कृपा से जो गोपियों के हृदय में प्रकट हुआ अब वह प्रमेय स्वरूप का वर्णन इन गोपियों ने वेणु गीत के माध्यम से किया है। तो यहाँ पे अत्यंत ये सुंदर श्री ठाकुर जी के द्वारा जो वन विहार करते समय श्री सुखदेव जी कहते हैं जब ठाकुर जी गौचारण करने के लिए वन में पधारते हैं ग्वाल बालों के साथ घिरे हुए और वन विहार करते समय जब गोपियाँ श्री ठाकुर जी के चिंतन करती हैं स्वरूप का तो वह प्रमेय स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हो जाता है मन ही मन दर्शन करती हैं आलिंगन प्राप्त करती हैं और ठाकुर जी के वह प्रमेय स्वरूप का वर्णन यह वेणु गीत के माध्यम से गोपियां करती हैं। यह गोपियों का नित्य नियम है कि जब ठाकुर जी वन विहार में पधारें तो यहाँ गोपियां सब एकत्रित होकर श्री ठाकुर जी के स्वरूप का गान करें। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवा सह कनक कपीशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणुरदर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्तिः। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। अद्भुत स्वरूप जब श्री ठाकुर जी नटवर वपुहु मस्तक पर
बरहा पीड़म मोर पंख धराते हैं, कानों में कर्णिकार के पुष्प धराते हैं, गले में वैजंती माला, और जब गायों को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं और जब ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान करते हैं, इतने सुंदर स्वरूप का हरी सखी, जीवन का परम फल, आंखों का परम फल उन श्याम सुंदर के दर्शन करना। अक्षणवताम वलमिदं न परम विदामह सख्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं रजेश सुतयोरन वेणुजुष्टं यैर्वा निपितमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। जब ठाकुर जी गायों को चराते हुए बंसी को अपने अधरों पर सजाकर जब वेणुनाद करते हैं, वह वेणुनाद करते हुए ठाकुर जी के दर्शन करना, यह जीवन का परम फल है। जब आज आप वैष्णव जब दर्शन में जाते हैं और ठाकुर जी को वेणु धराई हुई हो, आरती होती है तो उस समय वेणु धराई जाती है। गोपियां कह रही है वह वेणु बजाते हुए कृष्ण के दर्शन करना, अक्षण वताम फलम इदम, यही जीवन का परम फल है, यही आंखों का परम फल है। धन्य है ये वृंदावन भूमि जो ठाकुर जी के चरणारविंद के स्पर्श से वृंदावनम, धन्य है ये वृंदावन की भूमि कि प्रमोदित हो रही है। धन्य है ये श्री यमुना जी ठाकुर जी के वेणुनाद से आनंदित हो रही है, कई कमल खिल रहे हैं और तरंग रूपी भुजाओं से उन कमलों को श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में समर्प रहे हैं। धन्य है ये श्री गिरिराज जी जो ठाकुर जी के वृंदावन की लीला के साक्षी हैं और ठाकुर जी के चरण स्पर्श प्राप्त करके ये भी प्रमोदित हो चुके हैं, प्रफुल्लित हो चुके हैं। इस प्रकार से ये गोपियां, जब इन गोपियों को वनांतर विरह होता तो उस विरह में ठाकुर जी की लीला और स्वरूप का गान करते उनमें तन्मय हो जाती। बड़ा सुंदर यह है, वेणु गीत के माध्यम से इन गोपियों के भावों को प्रकट किया गया है। वेणु गीत के बाद प्रियजनों आगे हेमंत ऋतु का वर्णन है और हेमंत ऋतु में गोपियों ने कात्यायनी व्रत लिया, उस लीला का वर्णन किया गया है। कात्यायनी व्रत में कि ये नंद का बालक वो हमें पति रूप में मिले, तो इन्होंने कात्यायनी की पूजा करी, यमुना जी के ही आश्रम में जाके यमुना जी की वालुका से स्वरूप बनाया और उनकी पूजा व्रत आदि करते ठाकुर जी ने चिरहरण कर अलौकिक कामयुक्त वस्त्र वापिस उनको लौटा दिए और कहा आने वाली शरद की रात्रि में तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। तत्पश्चात आगे यज्ञ पत्नियों की सामग्री को फल को स्वीकार कर उनको भक्ति का आपने दान किया, उस कथा का यहाँ पे निरूपण है लीला का। तत्पश्चात प्रियजनों आगे श्री दशम स्कंद की ये गोवर्धन लीला का वर्णन किया गया है। आज गोवर्धन उत्सव का दिन है, आज हमारे श्री गोपाल लाल प्रभु भी प्रथम यहाँ पधारे, पाटोत्सव के निमित्त प्रथम बार श्री अन्नकूट आरोग रहे हैं और आप सब वैष्णवों के द्वारा जो भी रंचक सामग्री की सेवा जो भी प्राप्त हुई होगी आप सबके भाव स्वरूप यह अन्नकूट के आज गोवर्धन लीला के भी दर्शन सबको प्राप्त होंगे। वास्तव में जो ये ठाकुर जी ये अन्नकूट आरोग रहे हैं, ये इसको गोवर्धन यज्ञ कहा जाता है, ये याग है क्योंकि ये अलौकिक यज्ञ है, आदिदेविक यज्ञ है, इसके भोक्ता भगवान आप स्वयं है, यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता। तो ब्रजवासियों के अन्याश्रय को छुड़ाने के लिए अनन्य आश्रय की लीला यानी ये गोवर्धन लीला है। सभी ब्रजवासियों के साथ मिलकर आपने शिगिराज जी का पूजन किया, परिक्रमा करी, नाना प्रकार की सामग्री शिगिराज जी को धराने में आई और सहस्त्र भुजा धारण करके प्रभु आप आरोग्य रहे हैं, ये दर्शन ब्रजवासियों ने किए। हम भी आज पुष्टि मार्ग में यही, तो आज बाकी तो भोग आते हैं तो भोग के दर्शन रोज थोड़ी होते हैं वैष्णवों को, लेकिन ये तो या में यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता सामग्री ठाकुर जी सामने सब विराज रही आरोग रहे हैं और आप सब वैष्णव दर्शन कर रहे हैं उन सब सामग्रियों के साथ, यानी भोक्ता करता, यानी बड़ा विशिष्ट ये दर्शन का भी एक आनंद है। तो शांति से आनंद से जिस प्रकार से सूचना मिले धीरे धीरे आज के आनंद का दर्शन का भी लाभ लेना। अन्नकूट की नेक रंचक सखड़ी भी अवश्य अधरामृत के रूप में वो भी प्राप्त करिएगा अवश्य। आज थोड़ा मौसम हाँ ठंडी थोड़ी विशेष बढ़ गई है, सुबह भी बारिश वगैरह काफ़ी हो गई, लेकिन फिर भी ऐसे विपरीत मौसम में भी आप सब वैष्णव या आपकी सुंदर भावना है, प्रेम है, आप कथा के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और श्री ठाकुर जी के गोवर्धन उत्सव के
ठाकुर जी के अन्नकूट उत्सव के भी आप सब दर्शन करोगे। तो आज की हमारी जो ये कथा है पंचम दिवस की, उसको यहीं श्री गिरिराज जी की तरेटी में विश्राम देते हुए आज पूज्य श्री पितृचरण के पूज्य श्री बड़े भातृचरण की, अपन तो सब विनती करें दोनों के वचनामृत मिले, अपन तो ये कहें, अपन तो ज्यादा लोभ रखना चाहिए, है ना, ये तो लोभ है, इसलिए तो भगवान ने लोभ को भी प्रकट किया है। लोभ नहीं होगा तो ये आनंद ही नहीं आएगा, लेकिन समय की भी अपनी मर्यादाएं रहती हैं। तो मैं पूज्य चरणों को विनती करूंगा जैसे आपकी प्रसन्नता, परंतु आपके मंगल वचनामृत। आज सुंदर उत्सव का दिन है, गोवर्धन उत्सव, दमला जी का उत्सव, और बड़ेन के आशीर्वाद न मिले तो कुछ अधूरा रहता है। तो आइए भाव के साथ हम पूज्य आचार्य चरणों के वचनामृतों को श्रवण करेंगे, तत्पश्चात जो भी आवश्यक बातें हैं गोकुल जी हमें सुनाएंगे, उसको ध्यान से सुनेंगे, और फिर श्री ठाकुर जी के सुंदर उत्सव के दर्शन करेंगे। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय, गौ माता की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्यामने महारानी की जय। बड़ी प्रसन्नता का विषय, अभी आपने आपके मुखारविंद से बहुत ही सुंदर कथामृत रस का रसास्वादन किया, और इसी कड़ी में अब हमारे मध्य युवा आचार्य हमारे ऊपर, जिनकी सदा कृपा रहती है और कृपा की दृष्टि बरसती रहती है, ऐसे गोस्वामी श्री हरिराय जी महोदय श्री के श्री चरणों में निवेदन करूं इन शब्दों के साथ। सबको प्रिय सबको सुखद हरि आदिक सब धाम, और ब्रज लीला सब स्फुरत है श्री वल्लभ सुमरत नाम। तो आपके नाम का सुमरण होते ही ब्रज लीला का सुमरण हो जाता है, और ब्रज लीला का सुमरण होते ही आप श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आप आपसे निवेदन करूँगा कृपानाथ कि आप अपनी सुमधुर वाणी से इन सभी सुधी श्रोताओं को आनंदित करने की कृपा करेंगे। बोल वल्लभाधीश की जय। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद् अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत् प्रभुर्नन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं 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 न संशय शिरश्च पादां भुजसत्प्रणाम योग्यं ददौ यो
यदुवंशचंद्र स्तुत्या च नत्या विनयेन हीनो गोपाल लालं शरणं प्रपद्ये श्रीवाक्पतये नमः श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। भक्तवत्सल श्री गोपाल प्रभु के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। प्रातस्मरणीय तात चरण श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के युगल चरणारविंद में आओ कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। श्री गोपाल कृपा महोत्सव के सर्वाध्यक्ष स्थान पर विराजमान ऐसे परम पूज्य पितृचरण के युगल चरणारविंद में कोटान कोटि दंडवत प्रणाम करें। आचार्य पीठ पर विराजमान जिनके मुखारविंद से वाक्पति श्री वल्लभ श्रीमद् भागवत भगीरथी भागवत का दिव्य सत्संग हम सबन को सुलभ हो रहा है, ऐसे चिरायुष्मान श्री गोवर्धनेश जी सर्वे आदरणीय भूदेवगण महोत्सव के मनोरथी परिवार बैठक मंदिर सेवा समिति के सर्व कर्मनिष्ठ एवं परस्पर मैत्री भाव रखने वाले स्नेही वैष्णवजन तथा भगवद सत्संग अभिलाषी नित्य नियमी आप सब अत्यंत भावुक कथा रसिक श्रोताजन, भगवत अनुग्रह भगवत कृपा के फल स्वरूप यह दुर्लभ सत्संग यह विपरीत काल में हम सबन को सुलभ हुआ है। देखते ही देखते आज ये भगवत सत्संग का पंचम दिवस और ये पंचम दिवस अत्यंत महत्व का दिवस है, क्योंकि आज से ही कृष्ण चरित्र का प्रारंभ होता है।
श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा है। यह भागवत में कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन है, फिर भी भगवत प्रागट्य जो है प्रियजनों, वो चौथे दिन होता है, प्रथम दिवस नहीं। और पंचम दिन से श्री कृष्ण लीला, कृष्ण चरित्र का प्रारंभ होता है। मन में संशय होवे, मन में जिज्ञासा प्रकट होवे, प्रश्न भी प्रकट होवे कि श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता, मुख्य विषय कृष्ण हैं। ये कृष्ण का चरित्र ही इसमें मुख्य है, तो प्रथम दिवस से ही क्यों नहीं। शास्त्रकार हमारे आचार्य गण तात्पर्य समझाते हैं कि जब जीव में योग्यता, पात्रता जब तक प्रकट नहीं होती, तब तक ये कृष्ण चरित्र, भगवत लीलाओं का गुणगान, अवगान जीव समझ नहीं पाता। पूर्व के मानो तीन दिन ये पात्रता प्राप्त करने के हैं, चतुर्थ दिवस भगवत प्रागट्य का है, और ये पंचम दिवस से तीन दिन की जो यात्रा है वो जो है वो परम लाभप्रद कृष्ण चरित्र का गुणगान है। आज प्रारंभ से ही पूतना, अनेक अनेक असुर के चरित्र हमने देखे, अनेक अनेक भगवत लीलाओं के दर्शन हमने किए, अनेक ठाकुर जी की माखन चोरी, विविध विविध भांति से प्रभु जो लीलाएं करते हैं उनके हमने दर्शन किए, उनका हमने चिंतन किया, वेणुगीत की कथा के दर्शन किए, और कथा के विराम में जहां हम रुके, जो चरित्र के हमने दर्शन किए वो गोवर्धन लीला, गोवर्धन याग, जिसका विस्तार से वर्णन कल की कथा में हम दर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत अंतर्गत ये गोवर्धन जो लीला है, जिसे हमारे श्री आचार्य महाप्रभु सरस लीला कहते हैं, ये बड़ी ही विशिष्ट लीला है, क्योंकि यहां श्री ठाकुर जी ने केवल गोवर्धन ही नहीं अपितु समस्त प्रकृति के वर्धन की बात यह लीला अंतर्गत प्रतिपादित करी है। गो यानी इंद्रिय, गो यानी हमारा भाव, और वो भाव इंद्रियों का जो वर्धन करे, ऐसी लीला ये गोवर्धन लीला है। मुख्य भाव की ही बात है। पुष्टि भक्ति मार्ग प्रियजनों भाव प्रधान है, ध्यान दो। आपके पास धन है, आपके पास रूप है, आपके पास संपत्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन जो आपके पास भाव नहीं है तो सब कुछ शून्य है। श्री हरिराय महाप्रभु भी शिक्षा पत्र अंतर्गत यही बात का निरूपण करते हैं कि भावोत्र साधनम मार्गे,
पुष्टि भक्ति मार्ग में भाव ही मुख्य साधन है और प्रत्येक वैष्णवों को भाव वर्धन के उपाय खोजने चाहिए। ध्यान दो, कैसे हमारा भाव बढ़े, कैसे हम सेवा में जुड़ें, कैसे हम सन्मुख होवें, कैसे हमको भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त हो। देखो, आप सुबह नित्य नियम कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, गुरु कार्य कर रहे हो, रसोई इत्यादि कर रहे हो, बाहर का कार्य कर रहे हो, जो आप में भाव नहीं है तो आपको मंदिर आने का विचार अंतर मन में कभी प्रकट नहीं होगा। लेकिन जो आप में भाव है तो आपको उठते ही ये विचार आएगा कि मेरे गोपाल प्रभु के मंगला हो गए, लाओ एक मंगला की झलक लेके आऊं। मंगला करने के बाद आपको ये भाव प्रकट होगा कि लाओ मैं पात्र की सेवा करूं, लाओ मंदिर वस्त्र करूं, मैं सोहनी करूं। भाव बिना की जो भी कर्म है वो केवल क्रिया ही है। जैसे दूध का पात्र भरा हुआ है और वो दूध के पात्र में आप कितनी भी अनेक विध सामग्रियां पधराओ, उसमें काजू पधराओ, बादाम सूखा मेवा पधराओ, इलायची पधराओ, केसर पधराओ, लेकिन जो उसमें मिश्री मत पधराओ तो वो दूध कैसा लगेगा? वो दूध फीका ही लगेगा। ऐसे ही प्रियजनों, भाव शून्य हृदय से किए हुए कर्म फीके ही ठाकुर जी को प्रतीत होते हैं। बार बार आपको आज्ञाएं होती हैं, बार बार आपको कहने में आता है कि मंदिर आप आओ, मंदिर में कई विध सेवाएं हैं, उस प्रवृत्ति उस सेवा से आप जुड़ो। और फिर भी जो हम स्वकर्तव्य स्वधर्म से परे रहें तो कहीं ना कहीं प्रियजनों हम श्री हरिराय महाप्रभु के शब्दों में जो विचार करें कि वृथा तज्जन्म भूतले, मानव जीवन मिल्यो लेकिन वो वृथा ही गयो। दो सौ बावन चौरासी भगवदीय और उनके शिरोमणि भक्त शिरोमणि को आज प्रागट्य उत्सव है। आज 500 वर्ष के बाद भी हम इन भगवदीयों को क्यों याद करें? आज उनको स्मरण हम क्यों कर रहे हैं, उनको पठन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनने वो सेवा, वो सत्संग, वो स्वकर्तव्य, स्वधर्म को पालन करके बतायो है। और यही कारण आज इतने वर्ष के बाद भी हम उनको स्मरण कर रहे हैं। आप सब वैष्णव इनकी संतान हो, आपके पूर्वज हमारे ताचरण श्री पुरुषोत्तम लाल जी महाराज के शिष्य सेवक हते, आप उनकी संतान हो। आज कभी भी कई बार कई गांव में जावे को होवे, कई भगवती वैष्णव इनसु मिलवे को होवे, तो सहज हमको कहें कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी बड़ी अपने आपके गुरुदेव आपके ताचरण की सेवा करते, ठाकुर जी की सेवा करते, हमारे दादाजी सत्संग को आग्रह खूब रखते। कई ऐसे प्राचीन वैष्णव मिले जो अपने पूर्वजन की बात करें कि हमारे पिता, हमारे दादा, आपके पूर्वजन ने एक अच्छो उदाहरण बिठायो है, अब आपकी बारी है।
कल आपकी संतान आपके विषय में क्या चर्चा करेगी ये आपको सोचनो है। हमारे पिताजी अच्छी बंदूक चलाते थे, इतनी बड़ी बड़ी बंदूकें रखते थे, सवेरे उठते ही बंदूक की नलियां साफ करते थे। आप अपने बच्चायन को क्या उदाहरण दोगे ये आपको तय करना है कि कल जब आपके बालकेन बड़े होंगे और आपके अनुपस्थिति में आपके विषय में क्या सोचेंगे कि पूरे दिन तम्बाकू खाते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, क्या कहेंगे आपके लिए, इतनो गुस्सा करते, इतनो गुस्सा, कोई से उनकी बनती नहीं थी, कोई उनसे प्रेम से बोल नहीं सकते, कोई से अच्छी जबान से बात नहीं करते थे, क्या कहेंगे आपके लिए। स्व को मार्ग स्व को ही बनानो है, हमारो मार्ग हमको ही स्वच्छ करनो है, ध्यान रखियो, हमारो मार्ग और कोई हमारी एवज में स्वच्छ नहीं करेगो। कल आपकी संतानें आपके लिए क्या चर्चा करेंगी ये आपको आज तय करनो है कि हमारे पिताजी नित्य गोप पुरुषोत्तम धाम में आते थे, नित्य भगवत सत्संग करते थे, उनको तो मंगला को नियम हतो, एक दिन भी मंगला छूटती नहीं, बहुत सुंदर कीर्तन करते, उनको ऐसो नियम के पात्र की सेवा करते। हमारी मैया फूलघर में इतनी सुंदर माला बनाती, इतनी सुंदर माला बनाती, रोज मंदिर में जाके सोनी करती, घर में ठाकुर जी की इतनी सुंदर सेवा करती। ऐसे उदाहरण हमें हमारे बालकन को देने हैं, देने के नहीं देने है? आवश्यकता है प्रियजनों, कल को सुधारवे के लिए आज सुधरवे की, जो हमें हमारो कल सुधारनो है तो हमको हमारो आज सुधारनो ही पड़ेगो। और वो कैसे सुधरेगो, इतनो सब क्रोध, इतनी तामसता की आवश्यकता ही क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आती बंदूक की आवश्यकता क्या है, बताओ। जहां ब्रह्म है वहां बंदूक की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों आवश्यकता पड़ती है इतनी तामसता की, इतना क्रोध क्यों है। हमने ऐसे ऐसे चरित्र सुने हैं कि जब ताजी महाराज यहां भिंड पधारते, मुरैना क्षेत्र में प्रवास करते, तो यहां के जो डाकुए थे वो अपने हथियार छोड़ दिए, उन्होंने अपने हथियार ताजी को पधरा दिए, उनके चरण में समर्पित कर दिए, अब हमको हथियार नहीं चाहिए, हमको बंदूक नहीं चाहिए, हमको तो ब्रह्म चाहिए, हमको तो ठाकुर जी की सेवा चाहिए। वैष्णव के हाथ में बंदूक नहीं, वैष्णव के हाथ में माला शोभे। हम यो सोचे कि बंदूक लेके हम बहुत बहादुर बन गए, बहादुर नहीं बन रहे हो तुम, ये कायरता है तुम्हारी कि तुमको तुम्हारे हाथ में बंदूक रखनी पड़ रही है, ये हमारी कायरता, हमको क्यों डर है, का बात को हमको डर है, हरी राखे वाको डर काय को। कल ही हमने प्रहलाद जी के चरित्र में हमने दर्शन किए, जाकू ठाकुर जी को भरोसो होए, दृढ़ इन चरण न केरो भरोसो, तो ये तो परंपराएं चलती आ रही है, हमारे दादाजी रखते, हमारे पिताजी रखते, हम रखें, अब हमारे बच्चाएं भी रखेंगे। एक एक घर में दस दस बंदूक और एक एक घर में कहीं ठाकुर जी की सेवा नहीं, कि कैसी वैष्णवता हम निभा रहे हैं प्रियजनों, ये कौन से मार्ग में हम चल रहे हैं प्रियजनों। ध्यान दो, भावोत्र साधनम मार्गे, पुष्टि मार्ग भाव को मार्ग है, पुष्टि मार्ग में मुख्य साधन जो है वो भाव से है, आपके हृदय में कैसो भाव है।
और कैसो अलौकिक वारसा हम लेके आए हैं। आज हमारे आचार्य श्री महाप्रभु, श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, श्री हरराय महाप्रभु और उनके सब सेवक गण 252-84 भगवतीय, कितनो अलौकिक वारसा हम लेके आए हैं, कितनी अलौकिक संपत्ति के हम धनी हैं। विचार तो करो, जो आपको मिलो है ना वो तो और कोई को नहीं मिलो है, जो हमारे पास है ऐसा तो और कोई के पास नहीं है। आवश्यकता है प्रियजनों, हृदय के शुद्ध भाव से ये सब जो अलौकिक संपत्ति हमको प्राप्त है वाको संभाल के रखवे की। धर्म ही ते पायो यह धन, धर्म ही ते पायो, नीके राख यशोदा मैया नारायण ब्रज आयो। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको गोपाल प्रभु मिले हैं, आपको दर्शन करवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है, आपको सेवा करवे को सौभाग्य प्राप्त भयो है। जो भागे सो अभागे, ध्यान रखियो, जो सेवा सु भाग रहो है वासे बड़ो दुर्भाग्यशाली, दूसरो और कोई संसार में हो ही नहीं सके। सेवा मुकु मिले या कि प्रतीक्षा में मत रहियो, मुकु कहां कही, कही तो ऐसे सोच के चले, मुकु कहां कछु सेवा को कहिए, कही तो ऐसी रात देख के बैठे, मुकु कहां कथा को न्योता आयो है। ये कोई कोई शादी हो रही है का कोई की, सेवा के कथा के न्योताएं नहीं होए, बाकी तो केवल सूचना ही काफी है। या के कोई न्योताएं नहीं होए कि हमको घर पे आए के कोई के जाएगो, या हमको पत्रिका मनोरथी के परिवार की तरफ से आएगी, या खुद महाराज श्री फोन करेंगे, या के कोई न्योताएं नहीं होए, या की तो सूचना ही बस हमको बधाई मिल गई कि यहाँ कथा है, यहाँ सेवा के अवसर है, यहाँ मंदिर है, यहाँ ठाकुर विराज रहे हो है, बस केवल सूचना ही काफी है, बाकी तो बस बधाई काफी है। दौड़ दौड़ के सेवा में जाएं। आज ये नंदालय के चरित्र हम दर्शन कर रहे हैं, प्रत्येक गोपी प्रत्येक गोप यही भाव रखतो कि जल्दी जल्दी गृह कार्य निपटाए के मैं नंदालय जाऊं, वहां यशोदा मैया नंद बाबा जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं उनके हाथ बटाऊं। और आज आप सबन को ही ऐसी ही एक भावना प्रकट रखनी चाहिए कि ये इतनो सुंदर नंदालय बैठक मंदिरियां हैं, पुरुषोत्तम धाम, तो मैं भी अपनो जल्दी जल्दी गृह कार्य करके दौड़ दौड़ के बैठक मंदिर जाऊं और वहां कछु सेवा में जुड़ जाऊं। मैत्री भाव युक्त सेवा करें प्रियजनों, समिति के भी सभी सदस्य, कितनो आनंद आवे जब परस्पर मैत्री भाव होवे, परस्पर प्रेम होवे। ये कोई लौकिक कोई कार्य थोड़ी है, ये तो सेवा को भगवत कार्य है, और भगवत कार्य में तो कितनी प्रसन्नता, कितनो प्रेम, कितनो आनंद। और जब ऐसो आनंद होए, ऐसी प्रसन्नता होए, ऐसो परस्पर प्रेम होए, आप अपने आप को एक साधारण व्यक्ति मान रहे हो, एक साधारण वैष्णव मान रहे हो, या वजह सु शायद ये बैर या ये शत्रु भाव या ये तू तू मैं, शायद ऐसे भाव सु प्रकट होती होगी, पर आप अपने आप को साधारण मत मानो। ये स्थान साधारण नहीं है, यहां बिराज तो ठाकुर साधारण नहीं है, और यहां आओ तो वैष्णव भी साधारण वैष्णव नहीं है। कहीं ना कहीं लीला को आपको संबंध है, तब जाके आप यह स्थान से जुड़े हो।
तब जाके आप ये समिति से जुड़े हो। लौकिक संबंध से लौकिक व्यवहार ही प्रकट होंगे, लेकिन अलौकिक भाव रखो, अलौकिक संबंध रखो, ये एक वैष्णव है। ये सेवा में मेरो सहचरी है, मेरो सहयोगी है, ये ठाकुर जी को है, श्री वल्लभ को प्रिय है। और जब ऐसे भाव आवे तब मन में जो कुभाव प्रकट होते हों वो श्री महाप्रभु की कृपा से वो दूर हो जाए। तो पुष्टि भक्ति मार्ग प्रियजनों मुख्य भाव को मार्ग है। और ये 7 दिन की जो हम यात्रा कर रहे हैं, या के केंद्र स्थान में भी कहीं ना कहीं गोवर्धन हमारे भाव की वृद्धि ही है। क्यों हम 7 दिन आके कथा में बैठे हैं? क्या कथा आपने सुनी नहीं है? का कई बार आप कथा सुन चुके हो, फिर भी आप कथा में आके बैठे हो, क्यों? मुख्य हेतु, मुख्य कारण यह है कि हमारे भाव की वृद्धि हो, हमारे भाव बढ़ें, हम ठाकुर जी के प्रिय बने। तो बस यही भावना के साथ प्रियजनों, बहुत गई, थोड़ी रही, अब 2 दिन शेष हैं। तो अधिक से अधिक एक शुद्धिकरण के साथ, गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत के लिए एक प्रेम भाव, आनंद भाव के साथ, एक प्रसन्नता के साथ, क्योंकि ये नंदालय है। बस हमेशा ये बात ध्यान रखो, ये केवल बैठक मंदिर नहीं, ये ठाकुर जी को नंदालय है। और यहां आए हुए वारो प्रत्येक वैष्णव गोप है और गोपी है। तो ऐसे आदिदेविक भाव युक्त हम ठाकुर जी की सेवा में जुड़ें, संप्रदाय की सेवा में जुड़ें, धर्म की सेवा में जुड़ें। हमारी अगली पीढ़ी हमको देख के प्रेरित होवे, हमारे उदाहरण देवे कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी मैया, हमारे बड़े भैया कितनों दौड़ दौड़ के सेवा में जाते, ठाकुर जी की सेवा में इतनों अच्छो भाव से जुड़ते, रात दिन मंदिर की सेवा में लगे रहते। एक ऐसे उदाहरण हम बैठावे, तब जाके हमारे मार्ग को उत्थान होएगो। तो अब ज्यादा कछु कहनो नहीं है, अब 2 दिन शेष हैं। अधिक से अधिक भाव युक्त हृदय से आप मंदिर से जुड़ें, मंदिर की सेवा से जुड़ें, ठाकुर से जुड़ें, वल्लभ से जुड़ें, परस्पर वैष्णव वैष्णव से जुड़े, यही भावना के साथ। क्योंकि हम तो देखो कड़ी वाले हैं, हम कौन है? कड़ी वाले। और कड़ी वाले को काम का है कड़ी जोड़नो, तोड़नो नहीं। हमारो काम ही है जोड़नो, वैष्णव वैष्णव सु जुड़े, वैष्णव ठाकुर जी सु जुड़े, वैष्णव वल्लभ सु जुड़े, यही कार्य हमारो है। तो बस यही भावना के साथ आप सबन की भाव वृद्धि होती रहे, यही श्री गोपाल प्रभु के चरणों में विनती के साथ मैं अपने अल्प शब्दन को ताज चरण के युगल चरणारविंद में समर्पित करूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। सात दीप की मसी करूं, लेखन सब बदराए, और सब धरती कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। आपने अभी बहुत ही सुंदर प्रवचन आपकी वाणी से सुने। बंधुओं, पहले भी आपको बताया, आचार्य चरण ने भी आज्ञा करी कि आज दमला जी का प्रागट्य उत्सव है। ये मार्ग दमला जी का मार्ग है, दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो। इसका अर्थ ये नहीं कि केवल ये दमला जी का ही मार्ग है। दमला जी माने वैष्णव, और वैष्णव माने हम सब।
और इसीलिए कहा गया है कि व्याप रहो सब जनन में जोलो दमला अंश। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये वैष्णवों का मार्ग है, और इसी के साथ आज अन्नकूट महोत्सव के भी हमें दर्शन करना है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, श्रीमती मेदू जी खेमरिया, संतोष जी, सत्येंद्र जी एवं योगेश जी, प्राशु जी, ये मनोरथी परिवार और से मनोरथी परिवार है महेश्वरी यमुना मंडल। तो आज हमें अभी आरती के पश्चात अन्नकूट के दर्शन करना है, और दर्शन करने के बाद जो भी सूचना होगी आपको मंदिर पे मिलेगी। ब्रज यात्रा, ब्रज रसानंद महोत्सव, वृंदावन में हमारा 9 दिवसीय वहाँ पर प्रवास रहेगा। बंधुओं, 9 दिन नवदा भक्ति के प्रतीक होते हैं, और नवदा भक्ति की 9 सीढ़ियों को पार करके ही 10वीं प्रेम लक्षणा में प्रवेश किया जा सकता है। नाथ द्वारा में भी सिनाथ जी के मंदिर पे जो धोली पटियां हैं उनको कभी जाके गिनना, 1, 2, 3, 4, 9 ही हैं, और 9 के बाद जो 10वीं है वो प्रेम लक्षणा भक्ति में हम जो है श्री जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ भी 9 ही सीढ़ियां हैं, तो ये याद रखना, हमारे मंदिरों में अक्सर जहाँ भी होती है 9 ही सीढ़ियां होती हैं, तो 9 सीढ़ियों के बाद ही हमें प्रेम लक्षणा में प्रवेश मिलता है। तो ये 9 दिन की जो यात्रा है हम प्रेम लक्षणा में, और फिर वृंदावन, जिसके लिए कहा गया है कि वृंदावन धाम को बास बलो जा नित्य बहे यमुना पटरानी, और जो जन नाये के ध्यान धरे बेकुंट मिले तिनको रजधानी, और वेद पुराण पुकार कहे और संत मुनि जन के मन आनी, और यमुना यमदूतन सो तारत है और जग सो तारे श्री राधिका रानी। तो इसलिए वृंदावन धाम का वास, और उसमें भी सोने में सुगंध के हमारे वल्लभ कुल का सानिध्य, ये बहुत मुश्किल से मिलता है। जब पूरा वल्लभ कुल परिवार हमें आशीर्वाद देने के लिए वहाँ पर विराजमान रहेगा तो समझो वो कितना आनंदित क्षण होगा। तो इसलिए इन क्षणों को हमें भुलाना नहीं चाहिए। अन्नकूट महोत्सव में जिसके विषय में बदरोला, जो मैंने कल भी बताया था कि उसने अपनी सामग्री को प्रतिदिन सहज के रखा था, और श्री ठाकुर जी ने जब गिरिराज पूजन कराया तो गिरिराज महाराज ने उसकी सामग्री को हाथ बढ़ाकर लिया, तो आपके भी जो है ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाकर आपकी भी सामग्री को स्वीकार किया होगा, आपने भी वहां अपनी सेवाएं पधराई होंगी, ऐसी मुझे आशा है। इसी के साथ आज 5 दिवसीय ये कथा विश्राम ले रही है, कल 6ठा दिन है और परसों 7वां दिवस है। कथा पूर्ण विराम लेगी, कथा चलती रहती है, चलेगी। अगली कथा किसके हृदय में ठाकुर जी बैठेंगे ये तो ठाकुर जी जान सकता है। बंधुओं, ऐसा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। जिसमें भी आचार्य परिवार का सानिध्य हो और श्री वल्लभ के मुखारविंद से श्री वल्लभ की वाणी निकले, इससे बढ़ के और दूसरा कार्य हो नहीं सकता। तो हरि कथा तो वही करा सकता है कि जाति जरो तन रूप जरो धन जाए पाताल रसातल माही। जाति, उत्तम जाति किस काम की है? जाति जरो तन रूप जरो, बहुत सुंदर हैं हम,
हमें देखो किस काम के हो, जाति जरो तन रूप जरो, धन जाए पाताल रसातल माई, ऐसा धन किस काम का है। और धन तो जो है या तो उसका भोग कर लो या दान कर लो, अन्यथा उसका नाश होना है। जाति जरो तन रूप जरो, धन जाए पाताल रसातल माई, और पावक में चतुराई जरो, जिनके कुल भक्ति गोविंद की नाई, जिनके घर में ठाकुर जी की भक्ति नहीं है उसकी चतुराई जो अग्नि में जल जाए। पावक में चतुराई जरो, जिनके कुल भक्ति गोविंद की नाई, और धूर परो जाके धन में, शुभ मार्ग खारज कारज खर्चो नाई। भले करोड़ रुपया है किस काम का है, उसमें धूल पड़ो, जो कि शुभ कार्य में भगवत कथा में यदि वो खर्च नहीं हुआ। धूर परो जाके धन में, शुभ मार्ग कारज खर्चो नाही, और धिक्कार कहते हैं देव जी ने जो जन श्री बल्लभ कुल की शरण में नाई। तो ऐसे व्यक्तियों को देवतान ने भी जो है धिक्कार दिया है। तो बंधुओं, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगली कथा के जो भी मनोरथी हो सामने आए, क्योंकि पहले भी जब ये कथा पाठोत्सव के वक्त विश्राम लिया था तब अगली कथा का जो है पता चल गया था कि मनोरथी ये होंगे। तो अब अगले पाठोत्सव के लिए भी कोई मनोरथी सामने आए और घोषणा करे अपनी इच्छा से मंच पे आके कि नहीं, अगली कथा का मनोरथी मैं बनूंगा। इसी के साथ कल बसंत है और बसंत पंचमी के साथ ही फूल फाक का मनोरथ है। और इसके साथ ही एक सबसे जबरदस्त बात यह है कि हमारे हरिराय जी महोदय श्री का जो है शादी की वर्षगांठ भी कल ही है, तो उसकी बधाई भी आप सबको उन्हें देना है, ये मत भूल जाना। वो 27 तारीख को यमुना जी कलश का मनोरथ है और उसके बाद 28 तारीख को बड़ा मनोरथ है। आप सभी दर्शन करेंगे, दर्शन का लाभ उठाएंगे। ब्रह्म संबंध प्रतिदिन आप श्री के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जो भी वैष्णव आज व्रत किए हैं वो कल पधारें ब्रह्म संबंध के लिए। अब आरती का क्रम होगा और उसके बाद दर्शन का आप सभी लाभ लेंगे। बोलो वल्लभाधीश की जय। कृपया शांति से बैठे, आरती हो रही है, आप लोग बैठे रहे। आप शांति से बैठ जाएं। आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल श्री जसोदा को परम दुलारो, बाबा के अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण जो छावर की। आरती बाल बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, परम मुदित मनु लेत भलैया, यक्ष बिने नन में भर दी। आरती बाल परम कृपाल श्री वल्लभ यानी श्री आनंद कंद परम ब्रह्म श्री कृष्ण की नित्य लीला परम उदार चतुर चिंता प्राप्त करने का अलौकिक दुर्लभ अवसर, जहां आज भी वैष्णव जन श्री वल्लभ के साथ प्राप्त कर रहे हैं श्री यमुना जी के अलौकिक रसात्मक स्वरूप का सानुभाव एवं श्री हरिदास वर्य
श्री गिरिराज जी की कृपा का अनुभव एवं उनकी परिक्रमा श्री बैठक जी में निरंतर मिल रहा है श्री महाप्रभु जी के पावन चरण स्पर्श का आनंद और बहुविध कुंज निकुंज में प्रभु की लीला का हो रहा है साक्षात अनुभव। विविध रास स्थली में आज भी श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी के संग कर रहे हैं रास, और साकरी खोर दानगढ़ मानगढ़ में आज भी प्रभु मांग रहे हैं दान। जहां रज से जल और जल से रज उत्तम है, भक्तिमय होगा वातावरण सारा जब बहेगी भक्ति की अविरत धारा। ऐसी अलौकिक ब्रज यात्रा का संपूर्ण आनंद उठाइए सिर्फ 9 दिनों में, और वो भी पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास में। तो आइए श्री पुष्टि धाम हवेली सूरत द्वारा आयोजित वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री कड़ी अहमदाबाद सूरत की सर्वाध्यक्षता में एवं वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी श्री हरि राय जी महोदय श्री तथा वैष्णवाचार्य परम पूज्य गोस्वामी श्री गोवर्धनेश जी महोदय श्री की अध्यक्षता में ब्रज बैठक यात्रा 2004, ब्रज यात्रा 2008, ब्रज यात्रा 2012, ब्रज रसानंद महोत्सव 2015 एवं श्री ब्रज यात्रा लीली परिक्रमा 2018 के स्मरण स्वरूप फिर एक बार ब्रज रसानंद महोत्सव 2 का भव्य आयोजन आगामी अधिक मास में दिनांक 18 जुलाई 2023 से 26 जुलाई 2023 तक होने जा रहा है। यह ब्रज रसानंद महोत्सव अंतर्गत पूज्य श्री गोवर्धनेश जी महोदय श्री के मुखारविंद से 108 पोथी जी के साथ श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण, श्री ठाकुर जी की विविध लीला स्थली में श्री प्रभु के अलौकिक मनोरथ का लाभ, और साथ ही साथ ब्रज 84 कोस ब्रज यात्रा करने का दिव्य सौभाग्य वैष्णवों को प्राप्त होगा। आप यह पुण्यकारी अधिक मास में श्रीमद् भागवत पोथी जी के मनोरथी स्वरूप भी वैष्णव भाव भूमि अहमदाबाद में नव निर्मित श्री जी द्वार हवेली की भगवत सेवा में सहयोगी हो सकते हैं। तो आइए इस पावन कल्याणकारी अलौकिक अवसर में जुड़कर वैष्णव जीवन की अति धन्यता का अनुभव कीजिए। ब्रज रसानंद महोत्सव में जुड़ने, पोथी जी मनोरथी बनने एवं अधिक जानकारी हेतु आज ही संपर्क करें मोबाइल नंबर 9374726780, 9879830937, 9328248367। मुख्य संपर्क स्थल श्री पुष्टिधाम हवेली मोटा बराछा सूरत। जय श्री कृष्ण। ब्रज यानी श्री आनंद कंद परम ब्रह्म श्री कृष्ण की नित्य लीला स्थली, और ब्रज यात्रा यानी प्रभु की श्री चरण रज प्राप्त करने का अलौकिक दुर्लभ अवसर, जहां आज भी वैष्णव जन श्री वल्लभ के साथ प्राप्त कर रहे हैं श्री यमुना जी के अलौकिक